जितने भी लेक्चर है ना ये रिकॉर्ड होंगे और मैं हमेशा भेज दिया करूंगा ताकि आप दोबारा जो है अगर इसको रिव्यू करना चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं। क्वालिटी ठीक उसका हो क्या सर, वीडियो की भी और ऑडियो की भी। और उसका आप क्या जो ऑन हाँ सचिन जी बोलो तो प्रणाम प्रणाम सर। तो सभी जो सभी जो नए पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो ये है कि इसके अंदर एक म्यूट का बटन होता है आपके इसके अंदर, तो वो मेरे को भी दिखता है, मैं म्यूट कर दिया करता हूँ नॉर्मली, लेकिन आप म्यूट कर लें ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो सिर्फ मैं ही बोलूंगा क्योंकि बड़ा कौन मैं। ठीक है ना, तो मतलब आपको अगर बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोलिए, अगर अनम्यूट होता है आपका सभी का तो कई बार इको आती है इस वजह से। और फिर जो है आप कई लोग, आप तो खैर अंदर कमरे में बिल्कुल ठीक बैठे हैं, कई अपने स्टूडेंट है वो ना बाहर सड़क पे घूम रहे होते हैं, लगा के कार में बैठ के घूम रहे होते हैं, बाहर से सारा शोर क्लासरूम के अंदर आ जाता है, तो इसलिए वो म्यूट रहेगा। जब आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मतलब अनम्यूट कर सकते हो। तो ये पहला रूल है क्लास का। दूसरा रूल है क्लास का, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्लीज आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो आप रिपीट करने को कह सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड टू आस्क द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बैठे प्लीज, तो मेरे से नहीं पूछोगे तो फिर किससे पूछोगे? अगर मेरे से नहीं पूछोगे, अगर आप किसी और से पूछते हैं तो फिर आपको क्या आंसर मिलेगा उसकी मेरी तो गारंटी है नहीं, क्योंकि तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वैसे भी क्वेश्चन मेरे से पूछना ठीक, और किससे काय पूछू। गुरु नहीं गुरु नहीं है, गुरु और मतलब टीचर का फर्क बता, नहीं गुरु के बाद तो हर सवाल का जवाब है, मेरे पास हर सवाल का तो नहीं। फिर जो है हर सब्जेक्ट की उसको नॉलेज है, मुझे लगता है मेरे को हर सब्जेक्ट की नॉलेज। फिर गुरु जो है वो जो है आपको मतलब पंजाबी में परखत्ती तक लाया जाएगा, वो मुझे ले जा सकता हूँ मुझे लगता नहीं। तो आई एम अ टीचर ऑफ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। ठीक है ना, जो अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी, अभी ऊपर मैंने एक ज्योतिष ओब्लिक एस्ट्रोलॉजी लिखा है, जो बाद में बात करेंगे उसकी। तो प्रश्न जो है जरूर पूछना है, और कुछ लोगों को ये लगे कि भी कुछ लोग ज्यादा जानते हैं आपको फील होने लग जाए, हम कम जानते हैं तो हम अगर पूछ लेंगे तो पता नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिससे बाकी लोगों की हंसी छूटे, तो मुझको ऐसा पता नहीं पूछूं ना पूछूं, तो इसी हिचकिचाहट हो तो इसी हिचकिचाहट को नहीं रखना, आपको फिर भी पूछना। हो सकता है वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट और इतना अच्छा हो कि उसका उत्तर मुझे भी नहीं मालूम हो, तो आप इसको नहीं मेजर कर सकते कि क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन पूछो। इफ यू हैव क्वेश्चन इन माइंड प्लीज आस्क क्वेश्चंस, दिस इज वन, दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इन द क्लास। सेकेंडली है कि जो सब्जेक्ट चल रहा है हम कोशिश करेंगे वहीं तक रहेंगे। आप तो मैं बीच में टाइम दे दिया करूंगा एंड में कि आपके पास अनाप शनाप भी सवाल है वो भी पूछ लें। मतलब कोई मन में हो तो ज्योतिष से रिलेटेड, तो क्या है उसका रीजन क्या है कि हम जैसे टीवी मीडिया है, अखबार एक मीडिया है, और भी मीडिया है, यूट्यूब सोशल मीडिया है, तो अब हमारा जो एक्सपोजर है वो तो हर मीडिया के साथ, तो वी विल लिसन टू ऑल द थिंग्स। अभी जो मैं आपके हफ्ते में एक दिन क्लास पढ़ाऊंगा आपको, तो खुजली हो सकती है आप लोगों को कि भाई जाओ यूट्यूब पर देखेंगे और भी क्या बोलते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन सामने आ जावे दिख जावे, तो उसमें कोई क्वेश्चन आपका मन में उठ सकता है। ठीक है, वो प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। ठीक है, जो हम स्टडी करेंगे ये टोटली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हमारा कोई और पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा जो क्लास में हम करेंगे एकेडमिक। कल आप अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी आप कीजिए, उसकी गाइडलाइन में आपको गाइडेंस भी मैं आपको दूंगा कि उसको कैसे आप शुरू कर सकते हैं। ये जो काम है जो अपना ज्योतिष का है तो उसमें मतलब आप समझे कि ये कंसल्टेशन,
यू विल बी अ कंसल्टेंट राइट, सो लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइक अ लॉयर, ठीक है। अब ये जो ऐसा काम है ये ओवरनाइट नहीं चलता कभी, जो कंसल्टेंसी का आपको लोग आपके पास आएंगे, पूछेंगे, परखेंगे, फिर आपकी बातें ठीक लगेंगी, तो धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ने लग जाएंगे। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि इतने लोग हो जाएंगे कि आगे फिर से नहीं होगी, लेकिन शुरुआत बहुत स्लो होती है, इट्स वेरी स्लो, ठीक है। वो भी गाइडेंस देंगे, कोई बात नहीं। तो कमर्शियल करा करना है तो ऐसा नहीं कमर्शियल नहीं करना, नहीं जो एकेडमिक बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय हम एकेडमिक नॉलेज के लिए बैठे, तो जिस चीज के लिए हम बैठे हैं उसी चीज के लिए बैठना चाहिए, बाद में उसका कमर्शियल यूज कैसे होगा वो भी देख लेंगे। लेकिन वो और एक चीज है कि जो आपको टीवी या सोशल मीडिया में आप देखेंगी, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी। जो हमारा वीडियो अपना होगा, जो अपना बना होगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पाएंगे, वो ऑल टुगेदर ही डिफरेंट होगा। जो बाकी लोग बात कर रहे हैं उससे हमारी बात मिलेगी कभी, कभी भी नहीं मिलेगी। तो उसमें कंफ्यूजन मत करना कभी आप, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, अगर किसी पॉइंट पे आप प्लीज आस्क कीजिए, क्यों नहीं मिलती भाई, उसका रीजन वही है, वी आर डूइंग एवरीथिंग एकेडमिकल। जो यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, सोशल मीडिया पे कभी मैं भी लिखता हूँ, तो प्योरली एकेडमिकल। जो आप बैठे हैं मेरे सामने, सिर्फ ये एक ऐसा, मैं तो नहीं कहता स्कूल है, मतलब क्लास है, जिसके अंदर एकेडमिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है, बाकी सब ड्रामा। ये मैं आपको बता दूं, आपको बड़ा अजीब लगेगा, बट दिस इज द ट्रुथ, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द थिंग दैट यू आर स्टडिंग दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये कोई भी काम जो पहली बार करें, मेरे को ऐसा लगता है, तो अपने माता पिता को जरूर उनके चरणों में एक बार ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने हमें पैदा किया। दूसरे टीचर्स जिन्होंने अभी जितना भी जब अब तक जितना जब भी पढ़ाया, उस टीचर का जो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, जिसने एक लिखना सिखाया या ए लिखना सिखाया या आ लिखना सिखाया, ठीक है ना। तो अच्छा, वो स्टैंडिंग लाइन जो है वो तो टीचर पढ़ाते, हम तो भूल ही गए, स्टैंडिंग लाइन ही है तो स्लीपिंग लाइन ही है तो व्हाटएवर, इतने तो याद नहीं है, बट वो एक लाइन खींचना भी सिखाना, इट्स नॉट एन इजी जॉब। तो मैं तो वैसे भी नया स्टूडेंट रहा हूँ क्लास का, सबसे पीछे बैठने वाला, ठीक है। तो एक हमारे पेरेंट्स जिनके बिना हम इस दुनिया में आ नहीं सकते थे, उनका कंट्रीब्यूशन, एक हमारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन, और दूसरा The Almighty who has made this beautiful earth and the universe. जिस वजह से बाकी हम सब, इसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट मैंने लिखा है ज्योतिष ऑब्लिक एस्ट्रोलॉजी। कौन सा पढ़ रहे हैं सर, ज्योतिष पढ़ रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, छात्रा सर बताओ। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष नहीं पढ़ रहे, ज्योतिष पढ़ेंगे या एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, ज्योतिष। कोई कह रहा है ज्योतिष पढ़ेंगे, कोई कह रहा है एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, तो आर बोथ सेम और डिफरेंट, ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग लिया। एनी आइडिया सर, सेम ही होना चाहिए सर, लगता तो सेम ही है, लगता तो सेम, ठीक है ना। अब ये बात समझनी बड़ी जरूरी है, अब जो है ग्लोबल है, वर्ल्ड जो है ग्लोबल, अब हम ये नहीं कह सकते कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, अब मैं नहीं कह सकता, अब मैं हर एक आदमी से दुनिया में कनेक्टेड हूँ थैंक्स टू इंटरनेट, ठीक है। अब हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पूरा परिवार, अब नहीं हम कह सकते। लेकिन हमसे जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी में इंटरेक्शन करेगा, 99.99% जो है वो इंडिया नहीं करेगा, हिंदुस्तान ही करेगा। अब मैंने ये आपको ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि जो हमारी संस्कृति जो डेवलप हुई, हमारी जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, हम लोगों की जो बुद्धि है, खासकर जो हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, म्यांमार में रहते हैं, श्रीलंका में रहते हैं, मालदीव में रहते हैं,
या आसपास जो जिसको हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, जो हम लोग जो हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं यूरोपियन से. यूरोप विल इंक्लूड अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. यूरोप मीन्स द पीपल ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरोप एंड देन दे प्रोबेबली ट्रेवल टू कनाडा, यूएसए, सेटल डाउन देयर, राइट, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड अदर कंट्रीज. इनकी बुद्धि बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी संस्कृति बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डेवलप हुई है. तो इसलिए जो हमारी लैंग्वेज में शब्द हैं उनकी लैंग्वेज के शब्दों में सिनोनिम्स अधिकतर नहीं मिलते. बड़ी अजीब लात लग रही है. हमारे जो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज में संस्कृत है, हिंदी है, पंजाबी है, कन्नड़ा है, जो भी है, उनमें सिनोनिम मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश के सिनोनिम हिंदी में मिलते ही नहीं, रेयरली मिलते हैं. अजीब बात है ना. तो उनमें से एक है ज्योतिष, जन एस्ट्रोलॉजी, और ये एस्ट्रोलॉजी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा. फिर मैं धीरे धीरे करता हूँ इसको. मैं क्यों बात को उठा रहा हूँ और शुरुआत में इसलिए उठा रहा हूँ कि जो लोग हमसे इंटरेक्ट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसको कितना जवाब देना है, इससे अधिक इसको समझ में ना आए. जैसे अगर आप अमेरिका में बस में चढ़ेंगे तो अगर टिकट $1.20 है तो उसको $1.20 ही देने. अगर आपने उसको $2 दे दिया तो उसको नहीं पता कि इसमें से क्या वापस करूं, क्या उठाऊं, क्या गिराऊं. वो बोलेगा बस से ही गिर जाती. तो मैं सच बता रहा हूं, मैं लेश मात्र भी मैंने प्लस या माइनस नहीं किया. अगर आप उनके स्टोर में या कहीं गए हैं, दो आदमियों ने इकट्ठा एक सवाल पूछ लिया, गोरा पकड़ा जाएगा, गोरी पकड़ा जाएगी. लेकिन यहाँ बढ़िया जो है, जैसे माता होती है ना, 10 हाथ, 4 दिमाग ना, रावण 4 से, तो वो 4-5 लोगों से, 6 लोगों से इकट्ठा इंटरेक्ट कर रहा था अकेला. इट्स नॉट पॉसिबल विद पीपल हु वर बॉर्न इन यूरोप. वो एक आदमी एक ही से बात कर सकता है, और उसको $12 उसने आपसे मांग लिए और आपने उसको $20 दे दिए, उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं पैसे कितने वापस. जो हमारा रिक्शे वाला आराम से जानता है, उनका ग्रेजुएट फेल है. उनको बात हैरानी होगी, लेकिन आप जब उसकी सत्यता पे जाएंगे तो आप कहेंगे मैं एक एक चीज बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, उसके अंदर बिना आटे में नमक मिलाए बोल रहा हूं. अब आ जाते हैं ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी. ठीक, तो शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, वो समझ में आता है. संधि शब्दों के इसको संधि विच्छेद करेंगे. ज्योति जमाइश इसको करेंगे तो ठीक. ज्योति का मतलब ज्ञान भी है. ठीक है, ये क्या हो गया? ईश्वरीय ज्ञान. ये क्या हो गया? एस्टर से, एस्टर इज ग्रीक वर्ड, स्टार हो गया अंग्रेजी में. ये क्या हो गया? नॉलेज. स्टार, लॉजी या नॉलेज या साइंस ऑफ. देखिए मतलब बदल गया. अब मतलब तो बदल गया, लेकिन इसका जो असली मीनिंग है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं. तो उसको देखने का परिदृश्य ही डिफरेंट है. कोई भी शब्द है या कोई भी पुस्तक है, उसके ऊपर अगर उसका नाम लिखा होता है तो उसका कंटेंट पता चलता है. ठीक है ना. जैसे नेहरू जी है, नेहरू जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया. नेहरू जी कहाँ पैदा हुए? इंडिया में. डिस्कवरी किसकी की? इंडिया की. इसका मतलब वो हिंदुस्तान में पैदा तो हुआ, आदमी हिंदुस्तान का नहीं था. लेट एक्सप्लेन. सिंपल सिंपल सी बात है ना, समझने की बात ही समझ में आ गई आपको. जिसने लिखी कि वो डिस्कवरी इंडिया में पैदा हुआ आदमी, तो अमेरिका की डिस्कवरी लिख सकता है, वो इंडिया की डिस्कवरी कहाँ लिखेगा भाई? मतलब अजीब सी बात है यार.
कोलंबस जो है वो अमेरिका का अमेरिका डिस्कवर करेगा, स्पेन थोड़ा करेगा भाई। वास्को डे गामा इंडिया का रूट ढूंढ रहा है, इंडिया का रूट ढूंढेगा वो, पोर्चुगल का रूट थोड़ा ढूंढेगा भाई, पुर्तगाल का रूट थोड़ा ढूंढेगा भाई। देखिए नेहरू जी थे जो हिंदुस्तान में पैदा किए, हिंदुस्तान की डिस्कवरी किया करते, अजीब आदमी है ना। इसका मतलब वो आदमी जो है वो उसने या तो पुस्तक खुद नहीं लिखी या उसने अपने आप को यहाँ का कभी नहीं मानो, मैं नहीं जानता, बट इन दोनों में से कोई एक बात तो है। दूसरा है गांधी जी की पुस्तक का कहना, महात्मा गांधी, ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट्स, हिंदी में उसको जो है मतलब बदल जाता है, कई खोज काज नहीं की उन्होंने, एक्सपीरियंस बेटो, ठीक है सर जी। आप यू आर सी No, you have come into astrology, right? You have come learning astrology, so you will be excited. Like, अगर आप शहर में रहते हैं और गांव में गए, बच्चा है 10 साल का शहर से गांव में गया, उसके लिए गांव will be very different thing, excitement की जो होगी भी, जो लोगों के घरों के ऊपर उपले लगे हुए हैं, ये उसको समझ नहीं आएगी कि गाय जो है दीवार पे चढ़ी कैसे। 5-7 दिन में उसको पता चलेगा भी उपले ऐसे चिपकाए गए। अब पानी जो है वो कुएं से निकाला जाता है, ऐसे पिया जाता है, नहाया कैसे जाता है, इस चीज बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरीके से गांव का आदमी जब शहर आएगा वो ऐसे देखता रहेगा, अभी देखो तो इतनी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग कैसे। तो जो गांव का आदमी शहर आएगा, अगर उसके हाथ में ये फोन होगा सर जी, कितनी फोटो खींचेगा सर, खूब खींचेगा, धनाधन सेल्फी खींचता चला जाएगा, सेल्फी दे धनाधन सेल्फी दे धनाधन सेल्फी, फटाफट गांव में जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कोई आपको नई चीज बदलती है, नया ज्ञान मिलता है, तो यू गेट एक्साइटेड एंड देन यू ट्राई टू स्प्रेड दिस थिंग टू एवरीबॉडी, जो आपके जानकार लोग, उसी में आप है ना। अगर लगातार आप गांव में रह रहे हो तो आप उपले वाला दीवार की फोटो थोड़ा खींचोगे भाई, कुएं की फोटो थोड़ा, इवन तो पैदा ही से देखते आ रहे हो। तो गांधी जी को तुरंत पता चला देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रूथ, किताब ली थी, यू विल कम टू नो दैट द पर्सन इज अ लायर, मोरल लायर, क्लियर पता चल जाएगा, सिंपल, झूठा आदमी तो ट्रूथ का पता चल गया। ट्रूथ नहीं, ट्रूथ में लिखा गया कि मैं अपनी पोती के साथ नंगा कैसे सोता था, ये ट्रूथ है। यू विल कम टू नो, जब आपको नाम पता चलेगा तो उसके अंदर की गहराई बरत रही, तो अब समझ में आते हैं ईश्वरीय ज्ञान, ये है एस्ट्रो प्लस लॉजी। कहने का मतलब यह है कि स्टार्स आर putting some effect on us and we are studying that, right? This is astrology. यही मतलब निकला ना सर, इसका तो ऐसा कोई मतलब ही कोई नहीं। तो ज्योतिष ये मानती है कि स्टार का कोई इफेक्ट नहीं है, इट इज अ थर्मामीटर विच कैरीज नो मीनिंग इन माई हेल्थ, विच कैरीज नो मीनिंग इन माई हेल्थ। थर्मामीटर का आपके बुखार से कोई सर लेना देना ही नहीं है, आपके कर्म से लेना देना, और उसको मेजर जो कर रहा है, सॉरी उसको रेगुलेट जो कर रहा है, वो एक सिस्टम है जिस सिस्टम को हम ईश्वर कह रहे हैं। हमें तो ईश्वर देखा नहीं, तो नाम लिख दिया भाई, कई नाम लिख दिया, अब हमें नाम ही नहीं पता ईश्वर का, क्या नाम, राम भगवान है या नहीं, वी डोंट नो। अब वो कहते हैं तेंदुलकर भगवान है, आजकल कह रहे ना। तो जो क्रिकेट का आदमी होगा, जो क्रिकेट का लवर होगा, उसके लिए तेंदुलकर भगवान है, ठीक है ना। किसी के लिए कुंबले भगवान है, और बना है वो कई एक्ट्रेस की सर वो मंदिर बने हुए अपने हिंदुस्तान में देखे। अब ये जो क्या नाम है शिरडी वाले साईं बाबा का भी बन गए, कब बने वो, एक पिक्चर आई, कौन सी पिक्चर आई थी, अमर अकबर एंथनी, निरूपा राय की आंखें आए, बस शिरडी वाले साईं बाबा
इसके बाद तो भाई वही है बस, मतलब बृहस्पतिवार जो है वो तो बृहस्पति का है ही नहीं, वो तो है ही शिरडी वाले साईं बाबा, हिंदू ये कहने लग गए। तो भगवान हम क्रिएट करते हैं, भगवान कहीं से क्रिएटेड नहीं है, बट वो अपना जो काम कर रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो अपने आप ही होता है। हम किसी भी मर्जी को भगवान कहते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फल कर्म का यह भगवान अगर कृष्ण को हम मानते हैं तो कृष्ण को भगवान मानने का समझ में आता है, क्योंकि लाइफ को अगर आप देखो तो आप सोच नहीं पाओगे इस तरह की लाइफ जी भी सकती है। और आज तक गाली खाते हैं भगवान कृष्ण, कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो करेक्टेड ही माखन चोर। बट आप उस आदमी की इंटेलिजेंस को देखो, उस आदमी की बुद्धि को देखो, और इस तरह से उसने डिग्निफाइड लाइफ जी है। हम जैसा आदमी तो बेगल पैदा होते सुसाइड कर जाता है, वो अपने बस का नाम है। कभी पूतना आंटी आ रही है, कभी मामा जी आ रहे हैं, कभी आलिया नाग आ रहा है, कभी कौन कलेश है भाई, अपने बस का नाम। तो मार भी दिया मामा जी को तो जरासन पीछे पड़ा हुआ, तो सारा वो टैंक लेके उसके हम महाभारत में भी हमें ही लड़ना पड़ रहा है। क्या करें, हमारा क्या लेना भाई देना। बहन को भी कह रहे हैं भाई तू भाग जाए यहाँ से, ले जा अर्जुन, ले जा भाई इसे, ये तो मतलब भगवान है, उसकी बहन की शादी है, क्या जिंदगी। तो persons who have excelled in their life, हम उनको भगवान कहते हैं। The people who have really excelled in life, not Shirdi Wale Sai Baba. I don't know about it. But we know about Lord Krishna, we know about Ram, he have really excelled. ये भगवान ही कर सकता है, तो हम भगवान मान रहे हैं। भगवान है या नहीं हम नहीं जानते। भगवान तो हर एक में, हर एक चीज में भगवान है। अब कैसे पता है एक फीमेल जाइगोट को, ह्यूमन फीमेल जाइगोट को कि वो, सॉरी नॉट जाइगोट, एग को या ओवम को, कि वो फर्टिलाइज सिर्फ मेल ह्यूमन स्पर्म से ही हो सकता है तभी जाइगोट बनेगा। वो हाथी के स्पर्म से नहीं फ्यूजन हो सकता, शेर का काउ से नहीं हो सकता, मंकी का स्नेक से नहीं हो सकता। कैसे पता है? इसका कोई जवाब नहीं है साइंस के पास, ठीक है। तो वापिस आ जाते हैं इस बात को कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, हमारे कर्म का फल है। और जो एस्ट्रोलॉज स्टार्स हैं, स्टार इज अ थर्मामीटर, तो ये हमें ज्ञान देगा कि कर्म से कैसे आगे का फल मिलेगा। तो एक बड़ी ब्यूटीफुल एक लाइन लिखी है परमहंस योगानंद जी ने, उनकी बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो उसमें उन्होंने कहा है, A child is born on the day and the hour. एक बच्चा is born on the day and the hour. तब पैदा होगा when celestial rays, star की positions, are in mathematical harmony with individual कर्म. ऐसे होंगे जिसको उसको कर्म का फल आगे मिले। तो कौन से कर्म का? जो उसके पिछले दिनों में। इसको हम बाद में और तरीकों से भी एक्सप्लेन करेंगे। तो वो उसी समय पे पैदा होगा, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जिसको आप मेजर करके या स्टडी करके ये बता सकते हैं कि जीवन क्या, उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है। हालांकि उन्होंने आगे लिखा है कि ये कोई फिक्स नहीं है, इट कैन बी चेंज्ड अ बिट। उन्होंने कहा, हॉरोस्कोप इज अ चैलेंजिंग पोर्ट्रेट रिवीलिंग अनअल्टरेबल पास्ट। शेतोनियम टाइम मशीन में पीछे नहीं जा पा रहे बट प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट्स, प्रोबेबल। लेकिन प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट के में भी रूल्स हैं, वो रूल्स चेंज नहीं हो सकते, रूल्स में ही करना पड़ेगा। प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट कैसे होगा? जैसे आप हिंदुस्तानी से, मेरे को आप बताइए कि सोमनाथ का मंदिर कितनी बार तोड़ा गया? नहीं, मतलब बहुत बार तोड़ा गया, चल 16 बार, बहुत बार तोड़ा गया। तोड़ने वाले लोग कहां से आए थे सर? कहां से आए थे? भारत के बाहर से आए थे। कहां से आए थे? तकरीबन सभी डेजर्ट से आए थे। कोई अफगानिस्तान से आ रहा है, कोई कजाकिस्तान से आ रहा है, कोई टर्की से आ रहा है, कोई ईरान से आ रहा है, कोई इराक से आ रहा है, यही एरिया से है ना, इन्हीं एरियाज में से आया। नॉट एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट कौन सा एरिया था, बट यहीं से आते थे।
उन जगहों की आज क्या हालात है, वो वैसे ही लड़ मर रहे हैं जैसे लड़ते मरते थे कि नहीं, वही हालात है सब, वो अभी भी अनसेफ जगह, वो अभी भी लुटे रहे हैं। हमारा मंदिर बन गया, हमारा तो मंदिर वही खड़ा है। आप समझ रहे, माइंड जो है अगर डिस्ट्रक्टिव है तो भगवान कहता है भाई मैं तेरा हॉरोस्कोप को चेंज नहीं कर सकता, तेरा हॉरोस्कोप नहीं है, तेरा हॉरोस्कोप है, तेरा ना कुछ हो सकता, तेरे डीएनए में फॉल्ट है। तो हमारी संस्कृति में हमेशा अपने आप को जीतना सिखाया, दूसरे को जीतना नहीं सिखाया। हम कभी उनके पीछे नहीं गए, कोई इराक से आया हो, कोई अफगानिस्तान से आया हो, कोई उज्बेकिस्तान से आया हो, कोई कजाकिस्तान से आया हो, कोई मंगोलिया से आया, हमें उससे कोई नहीं भिड़ना। वो अपने आए, लड़े पिड़े, टूटे फूटे, जो भी हुए, जाओ भाई हमको जीने दो, हमें मंदिर बनाना, दोबारा मंदिर यही बनाए, इतना ही तो कर लें दो भाई। अभी भी हम कह रहे हैं इतना तो कर लें दो भाई प्लीज। वी कैन चेंज, वी हैव चेंज आवर लाइफ। हम कितने भी टूटे फूटे, हमने अपनी लाइफ को फिर इंप्रूव कर लिया, वो ना कर पाए। वो जरा सा कहीं ग्रो करते हैं, फिर लड़ मरते हैं, दूसरे को नहीं फोड़ते, एक दूसरे को फोड़ बैठते हैं। तो दैट हॉरोस्कोप इज अनअल्टरेबल, वो अल्टरेबल नहीं है, हमारा अल्टरेबल। तो देर इज ए रूल टू इट कि कौन सा चेंज हो पाएगा कौन सा नहीं हो पाएगा। जो हम पढ़ रहे होंगे ये ज्योतिष होगा, ईश्वरीय ज्ञान, जिससे हमें पता चलेगा अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड दिस विल टेक यू टू द ईश्वर, भगवान तक लेके जाएगी आपको, ये सेंस जो आपको डिफाइन कर देगी, यस गॉड इज देयर। सचिन जी ठीक कह रहा हूं, अनम्यूट करके बोल दो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो क्या इन्होंने ठीक क्या बोला कि ये जो आप जो पैदा हुए हैं वो रीड कर लेंगे हम कि होना क्या। सो फिर जब हम रीड कर लेंगे तो इसका मतलब एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, जब एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड तो फिर तो हम किसी और के इशारे में कठपुतली है भाई। तो आनंद पिक्चर का डायलॉग है सर, क्या क्या डायलॉग है सर, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में, जहां बना कौन कब कैसे उठेगा कोई नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं, हम ये जानते हैं, ठीक है। हमें ये पता चल जाएगा कि वी आर, हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं कहीं अटैच्ड है, उसी के अंदर काम करना है उसका। एक तो मैंने आपको ये आइडिया दिया, वन पीपल हु आर बोर्न इन डेजर्ट्स, सऊदी से आते हैं लोग जो भी अफगानिस्तान वगैरह से आते हैं, वो लुटे रहे हैं और हमारे जिंदा रहते तक ही आप देखेंगे उनके तेल खत्म होने वाले हैं, उसके बाद वहां क्या होगा मैं जानता का मतलब खतरनाक मामला, मैं जानता हूँ वहां मामला खतरनाक हो जाएगा, वो लड़ मरेंगे आपस में, क्योंकि उन्होंने सिखाया ही नहीं कि अपने आप को जीतो, उन्होंने दूसरे को सीखा, ठीक है सर। और क्या है कि जैसे मायावती सर कहां पैदा हुई थी, झुग्गी में, कितने झुग्गी के लोग जो है हजारों करोड़ रुपए कमा लेते हैं सर, बहुत कम, बहुत कम नहीं सर, इट इज लेस देन निग्लिजिबल। और कितने विजय माल्या हैं जो बिजनेस क्लास में नहीं घूमेंगे, चाहे कितने भी गरीब हो वो बिजनेस क्लास में घूमेंगे, उनके लाइफ के स्टैंडर्ड में फर्क नहीं आता, गरीब के भी नहीं आता, अमीर के भी नहीं आता। गरीब के क्यों नहीं आता, कि वो आम की रेडी लगाए बैठा है, बच्चे को साथ में बिठाए रखा है, बच्चे आप देखो वही दूर नहीं गए, वही साथ ही वहीं पैदा हो जाते हैं, नीचे वहीं बड़े हो जाते हैं। और एमसीडी के स्कूल में वो अगर बच्चा जाएगा भी तो आठ दस दसवीं बारहवीं क्लास में अगर हो भी गया, तो अगर आम वाले का लड़का है तो उसको केले वाले की लड़की से ही प्यार होगा, सोनिया गांधी की बेटी से तो प्यार नहीं होगा ना भाई, तो यू कैन नॉट थिंक ना, तो उसको करेले वाले या केले वाले से हो, तो करेले वाला सोचेगा भाई अगर इसकी भी सेब की रेडी लग जाए तो लड़की ब्याह दो, उससे ज्यादा पता ही नहीं है, दे डोंट नो, जब दे डोंट नो तो वो तरक्की कैसे करेंगे, जब आपने वो मालूम ही नहीं है तो आप जाओगे कहाँ, जिस आपको पता ही नहीं सर कलकत्ता आया तो जाओगे कैसे। इसीलिए गरीब सर ही गरीब भी रहता है, अमीर अमीर ही रहता है हमेशा, मिडिल क्लास ऊपर नीचे दायमा होता रहता है, लेकिन उसमें भी मिडिल को हायर मिडिल जाने में बहुत मुश्किल है,
हायर मिनरल प्रोडक्ट जाने में बहुत ज्यादा मुश्किल है। रिच रिच इसलिए रह जाता है कि अगर विजय माल्या का बेटा होगा, पुराने का बेटा होगा, जैसे ये सोनिया गांधी का बेटा होगा या तो सिंधिया का बेटा होगा, वो इंडिया में तो फेल ही होंगे, किसी स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ऑक्सफोर्ड जरूर जाएंगे। तो दोस्ती वो आम वाले की करेले वाले की लड़की से तो नहीं होगी, दोस्ती किससे होगी? सऊदी अरब के शाह के बेटे से या उसके बेटे से या रशिया के रईस से या फलाने के रईस से, उन्हीं से दोस्ती होगी। वही जुगाड़ है, तो वो समाज ही वही है, उस समाज में से निकल नहीं पाते, वही रह जाते। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ज्योतिष एंड एस्ट्रोलॉजी। बेसिकली आई हैव गिवन एन आउटलाइन ओनली कि डिफरेंट लोग जो डिफरेंट जगहों पे पैदा हो रहे हैं, उनके डिफरेंट ही दिमाग है, वो चेंज नहीं होते। अभी इस पर हम चर्चाएं होती रहेंगी तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी और एब्जॉर्ब हो जाएंगी। बहुत ज्यादा बोलूंगा तो मतलब उतनी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, है ना। अब जो है, जो बेसिक है जो हमारे ज्योतिष का, वो ये है कि जितनी भी पुरानी हमारी पुरानी नहीं सर प्राचीन जितनी भी विद्याएं हैं, उनमें एक चीज कॉमन है कि वो पंच महाभूत के ऊपर बेस्ड है। आपने नाम सुना होगा पंच महाभूत, ठीक है। क्या 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 होता है सर पंच महाभूत? जल, पृथ्वी, भूमि, जल, भूमि, जल, आकाश, जल, वायु, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, गगन, वायु, नीर, ये अग्नि, भगवान, आओ। ठीक है, अब ये सर सुना तो सभी ने, लेकिन अब इस पे डिस्कशन को समझना जरूरी है। कोई पुस्तक नहीं है सर इसकी, उसमें इसको क्लैरिटी से समझाया जाता है। नो बुक अवेलेबल, भूल जाते हो तो सर पुरानी है। नॉर्मली जो हमारी श्रुतियों में होती थी, तो हमारी जितने भी ज्ञान होता श्रुतियों में होता था। वेद किसने लिखे है पता नहीं, ये तो बाद में कंपाइल करके लिख दिया गया, अदर तो श्रुतियों में थे। तो भूमि, भूमि हो गया, भूमि, चलो कोई बात नहीं, पृथ्वी तत्व। ठीक है, पृथ्वी तत्व को हम डिफाइन कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, ये मैं समझाया दूं। ठीक है, तो पृथ्वी तत्व है जो तत्व स्टेबल हो, जहां पड़ा शुड बी स्टेबल। कोई एक चीज यहां पर दिख रही है आपको, स्टेबल जो हिल नहीं रही, हाँ स्ट्रक्चर, प्लस ये टेबल, प्लस जो सोफा, ठीक है, ये हिलती नहीं, तो इसका मतलब पहली चीज है सर वो पृथ्वी वाली जो चीज है उसमें स्टेबिलिटी। दूसरी, जब आप स्ट्रक्चर कह रहे हो तो वेट है, वेट इज इम्पोर्टेंट सर। स्ट्रक्चर होगा या टेबल है तो जो वेट है वो फिर शेप ही होगा, शेप ही होगा। ये तीनों चीजें अवेलेबल है, वो चीज पृथ्वी तत्व होगी। गिलास है, ये गिलास टेबल है, इसका शेप है, इसका वेट है, उसकी क्या दिस इज पृथ्वी तत्व। पत्थर, स्टोन, चट्टान, लोहा, सरिया, बहुत बड़ा लकड़ी का पीस, तना, ये तना पत्ती टैनिंग, वो तो हिलती रहती है, हिलना नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो पंच तत्व है या पंच महाभूत जिसको हम कहते हैं, इट इज एवरीवेयर। तो मैं कह रहा हूँ प्राचीन विद्या, तो प्राचीन विद्या कुछ भी है सर, आयुर्वेद हो गया, ज्योतिष हो गई, इतनी है। तो उसका तो बेस ही यही है सर, इट इज मोर फिजिकल देन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया आपको। अब मेरे को बताएं सर, बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जब वो बनती है तो उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूट में क्या चीज लगती है?
जो भी चीज लगती है अभी जो आप मेरे को बताएंगे मैं भी आपको हेल्प करूंगा, तो ज्यादातर वो पृथ्वी तक भी है जैसे बिल्डिंग बननी शुरू होती है, तो क्या क्या लगेगा उसके लिए? ब्रिक्स, ईंटें हो गई, सीमेंट हो गई, ब्रिक्स और सरिया, ये तीन में तो अनडिस्प्यूटेड हो गया। अब जो आपने बोला एक और चीज, वो आपने बोली सीमेंट, ठीक है, और क्या डलेगा फिर? पानी, एक चीज और डलेगी, दैट इज स्टोन डस्ट। ठीक है, अब हम जल तत्व पर भी आना, मैं समझा रहा हूं जल तत्व क्या है, उसके अंदर स्टेबिलिटी है, इस पानी में स्टेबिलिटी है नहीं, अगर मैं इसको फेंक दूंगा मतलब इसको नीचे तो ये बहेगा, मोबिलिटी है, वेट है, लेट इन लेस देन अ सॉलिड और अ पृथ्वी, एंड शेप इज देयर, शेप इज नॉट देयर, शेप तो इसकी अपनी कोई शेप नहीं है, जिसमें चला जाएगा वैसी शेप बना जाएगा। अग्नि में क्या है? फायर, कोई वेट नहीं है, कोई शेप नहीं है, इट इज ओनली एनर्जी, हीट कैन बी लाइट ऑल्सो, लाइट टू दिख रही है ना, आग जलेगी तो लाइट भी दिखेगी, ठीक है। अब मेरे को बताएं सर, एक अब इसको केमिकल कंपोजिशन से चेक करते हैं और वापस इस पे आ जाएंगे, ये किसकी केमिकल कंपोजिशन? वाटर, H2O, टू हाइड्रोजन एटम। अब मेरे को बताइए वाटर इज पृथ्वी तत्व, जल तत्व या अग्नि तत्व? जल तत्व, ये जल तत्व है, इनको जल तत्व है, ठीक है, कैन इट बी पृथ्वी तत्व? आइस, यस इट कैन बी पृथ्वी तत्व। तो ये दिल्ली में कितने बजे गिरती है बर्फ रोज? नहीं गिरती, गिरती सर मैं भी बताता हूँ कहाँ दिल्ली में गिरती है, ये ग्लास में गिरती है, 8 बजे के बाद गिरनी शुरू हो जाती है, गलत है तो मेरे को बताइए सर। तो जब बर्फ गिरती है तो बर्फ बनती है तो ग्लेशियर्स बन जाते हैं, तो जब ग्लेशियर होगा देन इट इज पृथ्वी तत्व, H2O विल बी पृथ्वी तत्व, और जब वो मेल्ट होगा नदी बन जाएगी, नदी में जो पानी है दैट विल बिकम द जल तत्व। अब कैन इट बी अग्नि तत्व? इट कैन बी अग्नि तत्व, नॉट स्टीम, स्टीम अंडर प्रेशर। आप एक चीज और मैं रूल में बताया नहीं, गाने सुनने शुरू कर दो हिंदी पिक्चर पुराने वाले, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट ज्योतिष एंड अदर थिंग्स, क्योंकि वो हीरोइन कह रही है पानी में जले मेरा गोरा बदन, तो इसका मतलब पानी में अग्नि भी है। कैसे है पानी में अग्नि? कुकर की सीटी है ना, तो जब बजती है तो उस स्टीम को उंगली लाल के देखो तो आपको बता दे, ठीक है। तो ये किसको पता चला सबसे पहले? जेम्स वॉट, जेम्स वॉट, जेम्स वॉट जो मॉडर्न साइंस में एनर्जी का मास्टर, जेम्स वॉट ने देखा कि पानी में जले मेरा गोरा बदन, पानी में, कि पानी में एनर्जी, बर्तन के ऊपर से जब ढक्कन गिरा पानी गर्म हो रहा तो उसको पता इस भाप से मैं इंजन बना दूंगा, उसने इंजन बना के दिखाया, ये हमें पहले ही पता था कि नई चीज नहीं थी, लेकिन जेम्स वॉट ऐसा काम कर गया कि उसके वाट के चक्कर में आज तक बिल भर रहे हैं बिजली का, ठीक है सर। तो स्टीम अगर प्रेशर में होगी सर जी तो इसमें एनर्जी होगी, अगर स्टीम प्रेशर में नहीं होगी तो वो स्टीम ऐसी उड़ जाएगी तो वो वायु है। तो मॉलिक्यूल इज द सेम बट पंच तत्व डिफरेंट। तो वायु तत्व को हम डिफाइन कर लेते हैं, उसके अंदर सर मोबिलिटी ज्यादा होगी, मोर मोबिलिटी, वेट नहीं होगा, वेट इसका नेग्लिजिबल हो जाएगा या नहीं होगा, इसमें साउंड होगी, इसमें ड्राइनेस होगी,
स्पीड होगी, स्पीड मोबिलिटी तो होगी, ठीक है। तो उसमें क्या बनाया जाता है मसाला? मसाले के अंदर डाला जाता है स्टोन डस्ट, कंक्रीट, वाटर एंड सीमेंट। जब हमने सरिया खड़ा कर लिया, हमने कॉलम बनाना है, तो उसके अंदर जो हम भरते हैं तो क्या चीज भरते हैं? सीमेंट, वाटर, स्टोन डस्ट, कंक्रीट, आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट का काम एनर्जी का है, वो बाइंड कर देती है कंक्रीट के साथ, जो स्टोन डस्ट बाइंड एक बार हो गया तो बस वो बाइंड रहेगा। अगर सीमेंट नहीं है तो अगर पानी में हम कंक्रीट और स्टोन डस्ट डालें तो कुछ नहीं होता। बाइंड करने का काम जो है वो एनर्जी जो है इज गिवन बाय द सीमेंट। पहले क्या करता था, ये चूना कराया करता था, हाँ, पहले राखी चूना से बनती थी ना सर, राखी चूना और पत्थर, ऐसे वॉल बनती थी, इससे बनती थी ना सर। तो चूना काम बाइंडिंग का करता था। वो बात अलग है, चूने की एज ज्यादा है, इसकी एज कम है, इसकी एज डिक्लाइन करती है, चूना विद द टाइम स्ट्रॉन्गर होता जाता है, वो एक अपने आप में अलग चीज है, उसमें हमने नहीं जाना। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज अगर हमें बिल्ड करनी है तो मेन तत्व इस पृथ्वी, जल जरूर डालना पड़ेगा, अग्नि तत्व उसको बाइंड करेगा, बाद में जल उड़ जाएगा, सिर्फ जो है पृथ्वी तत्व रह जाएगा कॉलम के अंदर, कुछ नहीं रहेगा सर, पृथ्वी तत्व ही रह जाएगा। एक बार आपकी बिल्डिंग दीवार खड़ी होगी तो अब उसके अंदर पानी उड़ जाएगा विद द टाइम। शुरू में जब बिल्डिंग बन रही होगी तो गीला रहेगा। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग और अंडरस्टैंडिंग की बिल्डिंग में क्या बन रहा है, स्टार्टिंग में क्या है। बाद में जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तो फिर बिल्डिंग में क्या क्या चीजें डाली जाती हैं सर, फिर उसमें क्या किया जाता है, प्लास्टर किया जाएगा। जब एक बार स्ट्रक्चर बन गया, एक मंजिल, दो मंजिल, दस मंजिल, जितना भी आपने बनाना, फिर क्या कहेगा, व्हाइट वॉश किया जाएगा, फिर फिटिंग्स लगेंगी। कौन सी फिटिंग? बाथरूम फिटिंग्स, बिजली की फिटिंग्स, दरवाजे, नट बोर्ड, ओ सॉरी हैंडल्स के फिटिंग्स, ये सब लगे ना, पेंट वेंट लगे, व्हाइट वॉश भी होगा, दरवाजों का पेंट, इधर पेंट उधर पेंट, यही होगा। अब इसको सर ह्यूमन लाइफ पे ले जाते, एक बच्चा है छोटा सा, वो पैदा हुआ है, अब उसकी बिल्डिंग बड़ी होनी है, उसकी बिल्डिंग बड़ी होनी है, बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाना है। अभी मेरी बेटी है, स्ट्रांग बिल्डिंग के लिए आप कौन सी चीज बता रहे थे उसको बताने? एक आप बताया था आपने गुड़, एक आपने गुड़ बताया या आपने गेहूं बताया, और तो कोई चीज नहीं बताई सर, गुड़ और गेहूं। तो जो जो भी फूड आइटम पानी के अंदर डूब जाएगी और मीठी होगी, स्वीट होगी, दैट विल बी अर्थी। जो जो चीज पानी के अंदर डूब जावे और मीठी होवे खाने में, तो वो सब जो है दैट इज अर्थी। फूड मटेरियल की बात करो तो क्या हो गया सर, वीट, राइस, जैगरी, शुगर, ये सब पानी में नीचे बैठेगा, ठीक है ना, इससे बिल्डिंग बनेगी। अब बच्चे को कहो कि भाई रोटी तेरे को दे देते बेटा, चीनी दे देते हैं खा ले, या चीनी उसको ऐसे हाथ में पकड़ा लो खा जाएगा, हमें दो, वो मानेंगे दूर रखो। बच्चे को मीठी चीज दे दो, उसको बोला सब्जी खा ले, बोला मिर्ची है, खीर दे दो खा लेगा, आइसक्रीम दो खा लेगा, जो भी चीज मीठी होगी तुरंत भागेगा उसके, कोला पेप्सी पुराना टीला सब मीठ मीठ मीठ, उसकी बिल्डिंग बनती चली जाएगी। जब पिज्जा बर्गर मीठा, गेहूं का जो टेस्ट है दैट इज, लेकिन गेहूं सर जी दलिया बनेगा कैसे? आपने दलिया का ना मेरी बेटी को, बनेगा कैसे? उसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा और फिर उसको मिलको फायर। मेरे को चावल बनाने हैं, मेरे को पानी में डाल के बॉयल करना है, रोटी बनानी है तो मेरे को
उसको भी पानी में डाल के फिर मेरे को उसको तवे के ऊपर रोटी सेकनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं बनेगा। मैं अर्थ को मेरा पेट पचा नहीं सकता, मेरे को उसको लाइट करना पड़ेगा। अर्थ को लाइट करने के लिए उसको वाटर भी डालना और उसको फायर से लाइट करना, क्योंकि फायर में एनर्जी है, उसके अंदर वेट नहीं है, तो उससे वो लाइट। अब जो है समझ लो लड़की जवान हो गई, 16-18 साल की, उसकी बिल्डिंग बन गई और एक छोकरा जवान हो गया। अब जब छोकरा जवान हो जाएगा सर जी, फिर वो नहीं खाएगा मीठा, फिर एक खाते जाग दो चार चीज मार फायर। अब जिंदगी फायरिंग। अब वो लड़की बोलेगी पानी में जले मेरा गोरा मिला, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बाद। अब लोंडा कैसे चलाएगा सर मोटरसाइकिल 16 साल? लड़की पीछे बढ़ेगी और तेज और तेज करो एनर्जी। ये फायरी एज है। पहली एज जो है वो वाटर और पृथ्वी के ऊपर है, इसको कहते हैं बचपन, कफ एज, कफ। इसके बाद है अप टू 55, पहले बचपन। के से क्या मतलब कफ? कफ हिंदी में अच्छा, लेकिन अंग्रेजी में कैसे लिखूं इसलिए KPH कफ। अब उसके बाद ये जवानी, 16-18 साल के बाद जवानी। जवानी जो है वो आग है। जवान होती है लड़की क्या करेगी? POP फिटिंग्स, पेंट, जो बिल्डिंग में हो रहा है वही आपके शरीर के साथ, फिटिंग्स, नेकलेस, फिटिंग्स, फिटिंग, प्लास्टर, POP, लोंडा, टैटू, इधर लगाएगा एक टैटू इधर, एक टैटू यहाँ, है ना, तो टैटू, ठीक है। और आज का तो लड़की भी एक आते जाते दूजे आते जाते, आग तो हो ही गया फायर। और ये जो दारू है इसमें क्या है अभी बाद में करते हैं, अब इसका फूड आइटम पहले करते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। जो फायर का जो फूड आइटम है वो क्या है? वाटर का तो फूड आइटम, मतलब वाटर तो वाटर ही है, वाटर। अग्नि का फूड आइटम क्या है सर? अदरक को क्या कहते हैं? सब स्पाइस, काली मिर्च, लाल मिर्च, अजवाइन, वो क्या हो गया आपका दालचीनी, ये सब जो है ये मसाले हो। ये जवानी है। जवानी में लड़की जाएगी गुजारे में, किससे मिलने जाए मंदिर जाने के बाद, वो चाट पकौड़ी वाले के पास, ये तुम्हारे पास नहीं आ रही, तुम अगर खुश हो रहे हो तो चाट पकौड़ी खाएगी, छोटी होगी बच्ची वो नहीं खाएगी, वो तो बोले मैं आइसक्रीम दे दो मेरे को, कोका कोला पी नहीं। क्योंकि जैसे जवान होगी अब वो फिर कोका कोला पेप्सी साइड पे होगी, लेकिन पिए वो बात रह गया, लेकिन मेन जो है उसको चाट पकौड़ी की आदत, भेलपुरी, सेवपुरी, ठीक है। आइसक्रीम जल में आएगा नहीं, आइसक्रीम जो है सब इसमें ना अर्धी एलिमेंट कम है, वाटरी एलिमेंट ज्यादा होगा, मिक्स हो गए ना सर, एक एक होता नहीं ये तो बिल्कुल सर। वीट तो खा ही नहीं सकते ना आप, RCC तो बना नहीं सकते ना सर, उसको मिक्स तो करना पड़ेगा, पानी जो भी आइटम होगी उसको मिलाना पड़ेगा। इस तरह से आप अब चीजों के बारे में आप जानने लग जाओगे, जैसे राजमा है। अब मैंने लिखा मोर मोबिलिटी एंड सॉन्ग एयर में, आवाज चलती है तो आवाज आती है, और ढोल में भी आवाज आती है, ढोल में हवा। अब जिस जिस फूड आर्टिकल में आवाज आएगी उसमें वायु तत्व, सिंपल सी बात। तो राजमा या जो भी दालें हैं जिसके अंदर साउंड आती है, तो राजमा को अगर डब्बे में डाल के ऐसे बजाओगे बजेंगे, माँ की दाल बजेगी, मूंगी की दाल नहीं बजेगी, तो जो बजेगी उसमें गैस होगी। आप इसे रात को राजमा अगर खाने हैं तो उसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं, नहीं तो पेट गैस होगी।
और माँ की दाल स्वादी, तैराती बड़ी बादी, रात को नहीं खाने में बादी बहुत है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन सा मेरा फूड आइटम मैं खा रहा हूं तो मेरे को बादी होगी, एयर आएगी, कौन सी फूड आइटम ये मेरा जल रहा है, अदरक खाओ तो आपको पता चल जाएगा ये अग्नि तत्व है, जो मीठा है इसका मतलब उसमें पृथ्वी तत्व, तो जिसकी जो चीज मीठी है, अगर आप मोटे हो तो क्या खाना आपको, नहीं खाना आपको जलाना, तो आपको मसाले दिखाने, गर्म पानी पियो कहते हैं, गर्म पानी पियो भाई, मोटे हो गर्म पानी पियो भाई, गर्म क्यों आ गए उसकी भाई आया, ठीक है ना, अब वायु तत्व पे आ जाते हैं और अग्नि तत्व पे आ जाते हैं, ये होगी हमारी धर्म स्पिरिट। तो स्पिरिट में दो आइटम है, एक है उसमें वायु और एक है उसमें अग्नि, ठीक है, दारू पी के आदमी सर उसकी वो बढ़ जाती है, जोश बढ़ जाती है, उसमें अग्नि है और बातें बड़ी बड़ी करने लग जाता है, हवा में बातें राइट और रॉन्ग, तो खाने पता चल गया कि भाई इसने क्या पिया या क्या खाया हमें पता चल गया, जैसे खाने के बाद अगर नींद आने आपको लगी है तो आपने गेहूं खाया, तो आप डाउन टू अर्थ हो गए, वेट बढ़ गए आप, अब उसको पचाने के लिए टाइम चाहिए, आधी आइटम को तो पचाने के लिए टाइम चाहिए ना सर, जो पानी के ऊपर तैरेंगे, फल केला सेब नाशपाती, अब खाए जाओ नींद नहीं आएगी, अब सुपाच्य, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या जो पृथ्वी तत्व बहुत कम है, वेरी लिटल, उसमें मेन क्या है, उसमें आकाश ही है, वो क्लिंजिंग के लिए उसके छिलके हैं, दैट इज देयर फॉर क्लिंजिंग, स्पेस आकाश स्पेस, तो दैट क्लीटेड स्पेस, सब्जी क्या करेगी स्पेस बनाएगी, बस कुछ नहीं करेगी, जो आप सैलेड खा रहे हो वो स्पेस बनाएगा। अब वायु तत्व का जो इसका जो टेस्ट होगा एस्ट्रिंजेंट है, इसका टेस्ट है बिटर, दारू बिटर है सर, बिटर है, बिटर है इसका मतलब उसके अंदर वायु तत्व है, फिर वो जलाती भी है, अगर बिना ऑन दी रॉक्स भी हो मतलब पानी नहीं होगा तो जला देगी, तो उसके अंदर इसका मतलब अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व और अग्नि तत्व दोनों है, इसीलिए सर स्पिरिट से क्या बना है स्पिरिचुअल आदमी, अब आगे बात करेगा, ये शब्द स्पिरिट से है, मोर अ पर्सन इज स्पिरिचुअल मोर इज डाउन टू अर्थ, हिंदी में इसका क्या मतलब है, स्पिरिचुअल का मतलब हिंदी में क्या है, बिल्कुल ठीक बोला, अत्य से अध्यात्म मतलब वही है, अध्यात्म स्पिरिट से स्पिरिचुअल आत्म, ठीक है, so with the food content you will be able to know what I should eat, what I should not eat, if I am feeling low energy I have to eat energetic food, that means arti, if you are feeling low energy, I am not saying koi badi bimari, if you are very healthy then you will be able to understand, aapke jo taste buds hain ye aapko bata denge, aapke taste buds aapko bata denge ki aapne agar pepsi aur coke peeni hai to usko thanda karke mat piyo, thanda karke nahi piyoge, उसको रूम टेम्परेचर पे पियोगे तो आपके टेस्ट बड्स बता देंगे ये पीने की चीज नहीं है। सर ये मेडिसिन कौन सी कैटेगरी में आती है, मेडिसिन जो होती है वायु तत्व, मेडिसिन कौन सी, जैसे होगी हमारी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कड़वी, अभी सर जैसे आयुर्वेद के अंदर जितनी भी जड़ी बूटी होती है, आज तो खैर वो लोग उसको टेबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जड़ी बूटी वगैरह जितनी भी हुई वो तो सब आराम से फ्लोट करती है पानी में, वो डूबती नहीं है, इस तरह की हो गई, ज्यादातर उनकी जड़ी बूटियां बहुत कड़क है, एलोपैथी है या होम्योपैथ है वो एसिड बेस है, तो वो सब किस कैटेगराइज में होंगी सर ये पांचों में से, क्लियर हो जाएगा, जैसे एंटीबायोटिक है चाहे सर करेला हो चाहे नीम हो चाहे आपकी कोई भी जो है माइसिन
योर सिन, माई सिन, इसकी सिन, उसकी सिन, वो सब कड़वी होती है ना। तो जो कड़वी होगी वो सब वायु तत्व होगी, इसलिए जब एंटीबायोटिक खाने को कहेगा डॉक्टर तो बोलेगा पहले कुछ खा लेना तब खाना, नहीं कुछ चुकराए। अब अग्नि और वायु तत्व दोनों, अग्नि और जल तत्व दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये बनता है पित्त। ये जवानी अप टू 55, 55 इज कफ, जब बच्चा छोटा है और उसकी हाइट गेन नहीं हुई है तो वो जो बच्चा है ये जब तक हाइट उसकी गेन नहीं है 15 साल 16 साल डिपेंड करता है 18 साल भी, वो मीठी चीज उसको पसंद आएगी और उसका जो पेट डिस्टर्ब रहेगा, छोटा बच्चा यहां से भी लीक करता है, यहां से भी लीक, यहां से भी लीक, थोड़ा नीचे चला जाए वहां से पीछे आगे सब जाए लीक करता है, छोटा पेट भी अपसेट है, खांसी जुकाम लगा रहता है, ठीक है। इस तरह से जब बिल्डिंग बन रही होती है, सीमेंट आरसीसी चल रहा होता है, उसका काम चल रहा है, तब तक बिल्डिंग गीली रहती है। तो जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, अब उसको गीलेपन की कोई जरूरत नहीं है, अब वो जो है जवान हो गई है बिल्डिंग, अब उसको ड्राइनेस चाहिए, अगर अब पानी पड़ेगा तो उसके लिए खराब, अब उसमें अर्थ भी नहीं डालना, अब उसमें फायर डलेगा, अब क्या डलेगा उस पर प्लस्तर होगा, पीओपी बने, पीओपी लगेगी, फिटिंग्स लगेगी, पेंट है, डिस्टेंपर है, ये सब लगेगा, ठीक है ना। वैसे ही जब जवान हो गया आदमी या लड़का जो होगा, फिर जो है जैसे बचपन में पेट खराब रहता था, अब उसको एसिडिक बीमारी रहेगी, जीजू एक रसगुल्ला खा लेना जीजू, तो नहीं एसिडिटी हो रही है, जीजू को एसिडिटी रहती है, जवानी में एसिडिटी आया, अगर आपको रहती है तो इसका मतलब ये भी है कि आप जवान, नेगेटिव ही बात में समझो, तो जवानी में एसिडिटी है नॉर्मल है। बुढ़ापे के अंदर, बुढ़ापा है ये वायु एंड आकाश, ठीक है, बुढ़ापे के अंदर क्या होगा, ये क्या स्पेस, पहले मैं इसको समझाता हूं फिर मैं बात समझूंगा। तो जो चीज मतलब स्पेस है, दैट इज द फिफ्थ पंच तत्व, जैसे आप यहां पर 2-3 हम बैठे, तो अगर यहाँ 10 आदमी आ गए तब तो ठीक है, उसके बाद देर इज नो स्पेस। बच्चा जो छोटा होगा तो मम्मी का चिपका रहेगा, ही डजंट नीड अ स्पेस फ्रॉम मदर, शादी के बाद मम्मी गिव अस अ स्पेस, 2 घंटे तक मैं पढ़ाऊंगा ठीक है, 2 घंटे के बाद आप बोलोगे बस बहुत हो गई सर जी आपकी, बकबक गिव अस अ स्पेस, कुछ टाइम दो, काफी देर खेलते रहोगे तो उसमें फिर स्पेस चाहिए आपको, फिर आपकी बॉडी को रिकूप करने के लिए कुछ खाना चाहिए, खाना खा लिया आपने फिर यू नीड अगेन अ स्पेस, तो स्पेस कई जगह पे यूज होगा, ठीक है। फूड आर्टिकल में जो स्पेस की बात करते हैं वो चीजें हैं जो क्लींजिंग करती हैं बॉडी की, जो कसैली चीजें हो, तो जैसे आंवला, नारियल पानी, केले का छिलका, फ्रूट के छिलके, सब्जियां, कसैली जो भी होंगी वो स्पेस क्रिएट करती हैं, वो इसीलिए खाने, इसमें कहीं भी विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात मैंने कहीं नहीं की, और कोई जरूरत भी नहीं है। यू विल बी एबल टू नो जो आप में प्रॉब्लम आ रही है, आप वो चारा खाना खा लो, जो आपको टेस्ट बड मांगता है प्लीज ईट इट, सिंपल, यू विल बी फाइन। हमारे शरीर को, शरीर भगवान ने हमारे शरीर को एयर दिया है, जीव और स्किन दिया है, तो हमारा शरीर फट पकड़ लेता है मेरे को क्या करना, धूप पड़ती है उसको पता छांव में खड़ा होना, पसीना निकलता है उसको पता मेरे को पानी पीना है, एनर्जी डाउन है उसको पता मेरे को मीठा खाना, गाय है, बिल्ली है, कुत्ते, आप देखो सड़क पे घूमते रहते हैं, उनके लिए कोई मैकडोनल्ड नहीं खुलेगा, किसी भी जंगल में आपने देखा कि मैकडोनल्ड खोला हो, शेर को पता मैंने कैसे हिरन का शिकार कर दिया, हिरन को पता मैंने कैसे बचना, हिरन को पता मैंने ये खाना है, पानी पीने कहा जाना,
वी डोंट नो, हमें बर्गर खाना मैकडॉनल्ड्स जिसको बैक्टीरिया मना कर देता खाने से, तो हमने बुद्धि अपनी प्रयोग करनी बंद कर दी। वही मैं कह रहा आपको, पेप्सी को अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप पियोगे तो शरीर रिजेक्ट कर देगा, एंड आप जब इसको ठंडी भी चिल्ड भी पियोगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, आपको बॉडी कुछ देर बाद बताएगी यू हैव नॉट टेकन राइट फूड। पिज्जा ऐड करते ना, पिज्जा ये तो पेप्सी, हाँ सुबह के ओहो बॉडी टेल्स, बॉडी बताती है इट्स ओहो। आप शुगर खाओ या गुड़ खाओ, कुछ टाइम के बाद आपको पता चलता है कि मैंने शुगर खाई है गलत है, मैंने गुड़ खाया था, आई फीलिंग बेटर, हमें राइट। लेकिन अब अपने शरीर की सुनते नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम इस तरह से सोचने लगेंगे आपको पंच तत्वों का ज्ञान होने लग जाएगा कि मैंने क्या खाना क्या नहीं खाना। तो छिलका छिलके हैं मैंने, वेजीज, वेजी नहीं होता, ये अंग्रेजों को पता है वेजीज, नो उनको नहीं पता पुदीना अलग है और धनिया अलग है, पुदीने की क्वालिटी धनिया में नहीं है, उनके लिए पालक भी वही है जो पुदीना, नो एक अल्कलाइन है एक एसिडिक है, डिफरेंस है भाई, सरसों का साग अलग है पालक अलग है भाई, उनको नहीं समझ, इट इज वेजीज, नो इट इज नॉट वेजीज, आयुर्वेद पढ़ा नहीं उन्होंने, उनको मालूम नहीं, वो पढ़ना चाहते नहीं, उनको पढ़ना है भी नहीं। इस सबसे ज्यादा कोलोन कैंसर कहाँ होता है, अमरीका में, सबसे ज्यादा मेंटल डिजीज के लोग कहाँ है, अमरीका में, सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहाँ है, अमरीका में, सबसे ज्यादा कैंसर कहाँ है, अमरीका में। शरीर के बारे में जिसको जिन्हें सबसे ज्यादा पैसा धोया है दुहा है, वो सबसे ज्यादा पैसा बनाया है मशीनें बना बना के, लेकिन उनको ये नहीं पता कि खाना क्या। अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप चले जाओ 6,000 किलोमीटर लंबी रोड है सीधी सीधी, हर 200-200 किलोमीटर के बाद इधर उधर KFC, मैकडोनल्ड, स्टार बक बक, आप देखोगे खाने का क्या है, आपको समझ नहीं आएगा ये खाऊं क्या है। दोनों दिल्ली से चंडीगढ़ चले जाओ, बोले वाह इट इज अ पैराडाइज, पूछो नहीं क्या खाऊं, बीकानेर के चला जाऊं, हल्दीराम के चला जाऊं, वो बोलेंगे स्वीट खाओ, मैंने बस स्वीट ना है भाई, रसगुल्ला खाना, गुलाब जामुन खाना, बर्फी खाना, वो लड्डू खाना, लड्डू में भी वैरायटी है, एक मोतीचूर का लड्डू है, एक बीकानेर का लड्डू, नारियल की बर्फी ये है, फलाना ढीकड़ा, तो उसको मैं तो अगर बोलने बैठ जाऊं उनका मेन्यू लेके तो मेरे को लगता है 2 घंटे तो इसी में बीत जाएंगे, उनको पता स्वीट बस, नथिंग मोर। सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, हमारी पृथ्वी को पता है क्या कब उगाना है, गर्मी में क्या उगेगा, वाटरमेलन, सब्जी क्या उगेगी, घिया, अपने आप, जमीन को कहां से पता है, जमीन को पता है, हम भी जमीन के, हमें भी पता ही होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता है, हमने क्या कहा पीना लेमन पिस, उसके ऊपर लेमन है अंदर नहीं है, शादी में वाटरमेलन सर्दियों में खाएंगे हम, नो समर का फूड है भाई, लू चलेगी पेड़ को पता है, नीचे आदमी झुलस रहा है, मैं उसको हम भी दे दू, ये पन्ना बना के पिएगा इसको लू नहीं लगेगी, अमेरिका में नहीं पता है, पेड़ को पता है, तो नीचे आदमी बैठा है लू के अंदर, उसको मैंने हम भी दे दू, अमेरिका को नहीं पता है, ये हाल है, ये सच्चाई है, लेकिन उनको पेटेंट कराना है, वो मैंगो भी पेटेंट कराने को पीछे पड़े, नीम भी पेटेंट कराने को, लेकिन उनको पता ही नहीं नीम का करना क्या, मेरे को वो बाबा रामदेव को पता, बाबा रामदेव खुदा सिर्फ जो पता ना होता, लेकिन घर की औरत को पता है, हर गांव में पता है कि अगर चोट लगी है, अगर कान में दर्द है तो एलोवेरा का जूस डाल देना, मुझे वहीं से काटेगी एलोवेरा का जूस गर्म करेगी डाल देगी कान में, बुजुर्ग औरत को पता है हल्दी लगा दो सरसों के तेल के साथ एंटीबायोटिक है, लेकिन उसको नहीं पता है, अमेरिका को नहीं पता है, वो अपने लैब में काम कर रहे हैं लगे हुए हैं।
ठीक है। सो दीज वेजिटेबल्स फ्रूट के छिलके, फ्रूट्स के छिलके को क्या लिखूंगा सर अंग्रेजी में, पील्स, पील्स है ना। तो जब हमें फ्रूट खाना है तो उसको अच्छी तरह धो के, और फिर हम लोग सेब को खाना है तो उसके छिलके को साथ में खाना है, तो उसके अंदर कसैलापन होगा, सेब के अंदर नहीं होगा। नाशपाती है, बब्बू गोशा है, लेकिन नारियल का देख लेना, उसका छिलका मत खा लेना। बेटा केले को भी छील के खाना, बोलो छिलका नहीं छील के खाना, अनार को छील के खाना भाई, ठीक है। सो वील बी एबल टू नो पृथ्वी क्या है, जल क्या है, अग्नि क्या है, वायु काश में, भोजन में क्या है, और ये हमारे को हमारी पृथ्वी देती है। जिस समय का मौसम है उसी समय वो देती है। गर्मी में वो क्या देती है सर, आपने जैसे मेरे को बताया घी आ देती, तरबूज देती, खरबूजा देती है, तो बरसात में करेला देती है, क्योंकि बरसात के अंदर गर्मी भी है और बरसात भी है, पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है उसकी बैंड बच गई है, तो करेला खाना जरूरी है, नहीं तो जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी की स्वीटनेस को पकड़ लेगा, हमें बीमार कर देगा, बैक्टीरिया वहां जाएगा जहां मीठा बना उसको भी ग्रो कर लेगा। तो हम करेला खाएंगे तो बैक्टीरिया हमारे खून को क्या करेगा, खाके बोलेगा छोड़ो दूसरे को बजाओ, मच्छर भी काट गया बोलेगा छोड़ो टेस्ट ठीक नहीं आ रहा, रात को 12 बजे बोतल जब पूरी खुल के पी ली जाएगी तब काटूंगा। इसलिए बरसातों के अंदर वी हैव अ डाइजेस्टिव फायर, जो आपको भूख लगती है, भूख क्यों लगती है कि एसिड जो है वो लिवर से, पैनक्रियास से, स्टमक इटसेल्फ से, बाइल जूस लिवर से वो पेट में चला जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अल्कलाइन फूड खाना पड़ता है, जो न्यूट्रलाइज पीएच 7 हो जाएगा, हमारा पेट भर जाएगा, बात खत्म। बिल्कुल ठीक है, खाना क्या है, जो मौसमी फूड, सर्दियों में अपने आप बादाम आ जाएंगे, आपको लेने की जरूरत नहीं है, डोंट बाय अमेरिकन बादाम, वो उनकी जमीन के हैं, हमारे नहीं है, जो हमारी जमीन है हमारा होगा, हमारे को हमारा सेब खाना है, उनको उनका सेब खाना, हमको हमारा आम खाना है, उनको उनका आम खाना है, हमें मद्रास का चावल नहीं खाना, हमारा देहरादून का ठीक, मद्रासी को देहरादून का नहीं खाना, उसको मद्रास का ठीक, उसकी जमीन उसका बनाई, जो आप इंपोर्ट करके फ्रूट लाते हो इट इज डैमेजिंग योर हेल्थ। राजस्थान के आदमी को बादाम खाने से कोई लेना देना नहीं, महाराणा प्रताप ने कभी बादाम नहीं खाए, उसने बाजरे की रोटी खाई, कभी इंपोर्ट नहीं कराया उसने अमेरिका से एलिमेंट्स, महाराणा प्रताप ने वैसे तगड़ा हो गया, उसको कहीं भी उसने नॉन वेज नहीं खाया, ना बकरा खाया, ना गाय खाई, ना उसने चिकन खाया, बाजरे की रोटी, गुड़ और गाय का घी, बस 72 किलो का बख्तरमंद, 41 किलो का भाला, 26 किलो की दो तलवारें, 5-5 किलो के जूते, 225 किलो तो लेके भाग लेता था, वो बैठ जाए चेतक के ऊपर, चेतक क्या होगा, चेतक क्या खा रहा, बादाम खा रहा भाई, तुम खा रहे हो विटामिन ए बी सी डी के डब्बे, सेहत फिर बैंड बजी हुई है, और बुजुर्गों को देखो, एक बच्चे को यहाँ कंधे पे टांगा, एक को यहाँ टांगा, 10-12 किलोमीटर चल दिया करते थे, यहाँ चू चू करने जाते हैं हम, तुम्हें कार चाहिए, सही क्या गलत, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं कि जो पृथ्वी और जल है ये बचपन में जरूरत होती है या ग्रोइंग एज में जरूरत है, अग्नि तत्व ज्यादा है जो हमें जवानी में जरूरत है, और बुढ़ापे के अंदर हमें करेले खाने हैं वैसे, और ये जो शहनाज हुसैन लगाती ऊपर ईओपी, पता चलेगा बिल्डिंग पुरानी है, वात, वात का मतलब हो गया वायु और आकाश, तो क्या है कि स्पेस, अंग्रेजी में स्पेस लिखता हूँ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, स्पेस, तो जब बुढ़ापा हो जाएगा तो स्पेस जॉइंट्स में स्पेस आ जाएंगे, उंगलियों में स्पेस जॉइंट्स में आने लग जाएंगे, और ड्राइनेस, ये सब स्किन ड्राई होने लगेगी, लगाना पड़ेगा ऊपर तेल तू, ठीक है, घी क्रीम, ठीक है, स्किन ड्राई रहेगी। अब शहनाज हुसैन जितनी मर्जी लगाए पीओ पी से, जवान तो नहीं हो सकते, जो जवान है लड़की है उसके तो ऐसी ग्लो होगा, उसको कोई पीओ पी लगाने की जरूरत नहीं, ऐसी ग्लो पता चल रही है जवान लगाने से नहीं होगा, नेचुरल से। इस तरह से जब बिल्डिंग भी पुरानी होती है तो उसमें क्रैक डेवलप होने लगे,
स्पेस आने लगे, तो जो आपका पिलर है उसके बाद दीवार है उसके बीच में क्रैक स्पेस होना शुरू हो जाए। जब आप बुढ़े हो जाओगे तो घर वाले आपसे स्पेस बनाना शुरू कर, बुढ़ा है स्पेस, ऐसी ऐसी पार्टी पे जा रहे हैं बाबू जी मेरे लेट आगे उसी अपना बैठे होते अनवांटेड नॉट स्पेस अपने उसको, और थोड़ा बुढ़ा जो होता है आवाज बहुत करने लग जाता है, एयर आवाज करते हैं खांसता है स्पेस है उसको। तो ये है हमारा बचपन अप टू बचपन और फिर उसके बाद बुढ़ापा है। डिजीज क्या बुढ़ापे की जवानी की है पेट खराब जुकाम खांसी, जवानी की एसिडिटी, बुढ़ापे की अल्जाइमर पार्किंसंस बीमारियां शुरू होती। खाना क्या है जो हमारी जीभ मांगे ओरिजिनल वाला रूम टेम्परेचर पे टेस्ट आना चाहिए, ये नहीं चिल्ड कर दिया नो, चिल्ड कर दिया तो उसका टेस्ट बड़ खत्म हो जाए तभी पेप्सी पी लेते हो आप। आप कौन सा फ्रूट खाना है जो आपको टेस्ट लग रहा हो ये मेरा खाने में भी ठीक है वो वाला खाने का, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे आपको टेस्ट से बदल जाएगा ये मेरे लिए आज ठीक है। जब तक वो फ्रूट बार बार खाने का दिल करे इसका मतलब उसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर है। बार बार चाट पकौड़ी का दिल करता है आपका खाओ शरीर मांग रहा, जिस दिन लगे यार पेट आफरा सा है खाया नहीं जा रहा मत खाओ ये भी टेस्ट फेस, ये तो मोटे हो गए डाइजेस्टिव फायर की बैंड बजी हुई है खाया जा नहीं रहा डोंट ईट सिंपल ठीक है। पंचतत्व समझ में आ गए, फूड आर्टिकल भी समझ में आ गया, मौसम के हिसाब से भी होता है जैसे गर्मी होगी तो क्या अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है तो अग्नि तत्व को रेसिप्रोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे पानी अधिक पिएंगे छाछ पिएंगे अपने आप चीजें अच्छी लगेंगी सर, वो आपको फोटो अच्छी लगेगी। अगर सनी लियोनी के हाथ में शिकंजी का ग्लास है तो आपको गर्मी लग रही है तो शिकंजी का ग्लास अच्छा लगेगा, सनी लियोनी की फोटो नजर नहीं आएगी, जैसे आप पी लोगे तो आपको सनी लियोनी दिखने लगेगी। मैं ये इसमें कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको भूख लगेगी वो खाने की फोटो में बड़ी अच्छी लगेगी। जब आप गर्मी में बैठे हैं तो इस समय आपको काजू की प्लेट रखूंगा आप नॉट लाइक इट, आपको वाटरमेलन की फोटो ज्यादा अच्छी लग रही होगी। नेचुरल है भाई, शरीर बोलता है अपने आंखें रिस्पॉन्ड करती हैं आपके इंद्रियां जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो गर्मियों में क्या क्या खाना है हमको, घी की सब्जी वाटरमेलन ककड़ी खीरा छाछ, सर्दियों में क्या खाना छाछ की जगह दूध, दूध के अंदर सारे ड्राई फ्रूट डाल के, और गेहूं की रोटी जो है ड्राई नहीं हो या वैसे नहीं होगी, अब क्या होगी गेहूं की रोटी नहीं अब पराठा खाना यही शील का आगे। सर्दियों में जैसे लोड़ी होती है ना लोड़ी, लोड़ी में क्या क्या डालता है बड़ी लकड़ी, बड़ी लकड़ी का मतलब पृथ्वी तत्व, तेल तेल का तेल, रेवड़ी रेवड़ी खानी, मूंगफली डालते हैं ड्राई फ्रूट खाना, पत्ते डालते हैं छोटे या सब्जी भी खानी ठीक है। तो इतना खाओगे तो जब 13 जनवरी को बहुत खाओगे तो फिर आप थोड़े मोटे से हो जाओगे, तो फिर जो है जो बसंत पंचमी का व्रत रखना, ये जनवरी के एंड में आता है या फरवरी के स्टार्टिंग में आता है बसंत पंचमी का व्रत। व्रत करने से क्या होगा जो कफ है आपका मेल्ट होगा, तो कफ बढ़ गए, कफ क्या था पृथ्वी तत्व घी और ये गुड़ और ये दूध और ये ड्राई फ्रूट जो आपने खाए हैं फैट फैट है ना इसके अंग्रेजी में बोलते हो, इसमें अर्थी एलिमेंट बहुत है आपने खूब खाया तो एक दिन नहीं तो फिर फरवरी में जैसे पोलेंस आएंगे तो आपका कफ बाहर निकलेगा इसमें निकलता है ना फिर अस्थमा होता है। अब वो बोले अस्थमा इसलिए हो रहा है क्योंकि तो मौसम चेंज हो रहा है, हम बता रहे हैं कफ तुमने ज्यादा खाया हुआ है व्रत रख लो ना भाई। उसके बाद गर्मी शुरू हो जाएगी तो फूड एकदम बदल जाएगा, जाम घी वाला खाना और हैवी खा रहे थे अब हम लाइट पे आ जाएंगे, बॉइल्ड राइस सिंपल घी की सब्जी छाछ, और बरसात में तो आपको कुछ पचेगा ही नहीं, बरसात में अग्नि भी आ गई और जल भी आ गया तो आपकी जो जो
जिनेस्टिव फायर है डाउन चली जाएगी और खाने का जी नहीं करेगा बरसात ना। पृथ्वी बनाती, पृथ्वी बनाती भी कुछ नहीं, पृथ्वी उगाती कुछ नहीं भाई, तो तुम्हें खाना भी नहीं है। लेस जो बनाएगी बिटर बिटर ही निकलेगा, करेले ही निकलेंगे, उसमें सब्जी ऐसी ही निकलेगी जो स्वाद नहीं होगी, कड़वी बनी। क्यों? आपको वायु तत्व चाहिए। उस समय पे बैक्टीरिया जो है कल्टिवेट ज्यादा हो रहा है, बीमारी होने की संभावना अधिक है। तो बरसात में तीन बीमारी होती है, MCD। MCD का पूरा मतलब क्या है? मलेरिया, मुझे कमीशन दो, मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू। ठीक है, ये हो गया पंच तत्व। ये किसी बुक में नहीं है, वो कैसे होते हैं? ठीक है, चलो मेरी वीडियो में अब आ जाते हैं हम कि जो हम ज्योतिष पढ़ेंगे इसके दो अंग रहेंगे, एक गणित और एक फलित। तो अंग्रेजी में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो गया मैथमेटिक्स, ठीक है, कैलकुलेटिव पार्ट एंड एस्ट्रोनॉमी। दो पार्ट चलेंगे हमारे यार क्लास के अंदर, आज तो नहीं लेकिन कल से, मतलब नेक्स्ट क्लास से ये दो होंगे। कैलकुलेटिव पार्ट शुरू में हमारे को बेसिक में करना जरूरी है, तो पता चले कि डिफरेंट प्लैनेट कहाँ है, तो उसकी पोजीशन कैसे हम बनाते हैं, तो और उसको आपको बेसिक पढ़ाना भी शुरू, तो पढ़ाऊंगा भी मैं आपको। अभी हम जो है जो फर्स्ट पार्ट है एस्ट्रोनॉमी का थोड़ा सा कर लेते हैं, टाइम है हमारे। तो वी विल बी कंसंट्रेटिंग मोर ऑन आवर सोलर सिस्टम। नवग्रह तो आपने सुनी, वो सोलर सिस्टम नहीं, ठीक है। पहले मैं उनके नाम लिख लेता हूँ, तो हर एक चीज जो आए रट्टी है ना उस पर लिख दिया करूंगा रट्टा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ आपको, ये हमारे नवग्रह हैं, आपको इस ऑर्डर में याद करना, ये हमारा आदत होती है, मून को ना MOM लिखते हैं, तो MWM लिखते हैं, आदत होती है। आपको इस ऑर्डर में, क्यों इस ऑर्डर में वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, इस ऑर्डर में याद रखते हैं, ये आपने नोट करने हैं तो आप ये फेस कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। दिस ऑर्डर विल नॉट चेंज थ्रू आउट अवर एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी, लेकिन ये सोलर सिस्टम में ऐसे नहीं है। यहाँ तो प्लैनेट्स, हम सबको प्लैनेट कहेंगे, ये प्लैनेट है नहीं वैसे, ऑल आर नॉट प्लैनेट्स, ये भी मैं बताऊंगा कौन क्या है। ये जो सन है, दिस इज अ स्टार, मून इज अ सैटेलाइट, राहु एंड केतु, ये केतु हो गया और ये राहु, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स, नो दे डोंट कैरी एनी बॉडी, दे आर जस्ट पॉइंट्स, पॉइंट्स, इसको छाया ग्रह भी कहते हैं हिंदी में। आप जो इसके हिंदी के नाम तो आते ही होंगे, वैसे तो केतु को ड्रैगन टेल कहते हैं इंग्लिश में, ड्रैगन टेल कहते हैं हिंदी में। केतु वीनस इज शुक्र, सन इज सूर्य, मून चंद्र, मंगल राहु गुरु शनि और बुध, तो सिंपल है, मेरे को लगता नहीं इसको हिंदी में लिखना, बट आपको हिंदी में सारे नाम पता होंगे क्योंकि हमारे पास हिंदी की पुस्तक होगी, अंग्रेज जो टीवी में आके जोशी जो बोल रहे हैं तो हम शुड बी वेल कन्वर्सेंट विद दैट, हमें पता चले बोलते क्या, तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे पास कल को हम अगर प्रेडिक्शन करते हैं तो हमारे पास जो लोग आएंगे वो सभी लोग जो है हिंदी याद करेंगे, नहीं हिंदी की बात है सर, वो बातें करेंगे जो आम पब्लिक में चल रहा है,
जो उपाय बताते हो जी आप, आसाराम बापू जी को बताते हो, रामरीम बाबा को बताते हो, सारी दुनिया में जितना कनाडा की पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा फॉलोअर है रामरीम बाबा के। रामरीम बाबा को अपने उपाय का पता नहीं, उमंग ने बताया उपाय क्या भाई। रामचंद्र जी को अपना उपाय पता नहीं, बीवी किडनैप हो गई, वो उपाय हनुमान जी से पूछने गया है कि भाई पता चल बीवी है कहीं का। लेकिन लोगों को जो समझ आया, जो उन्होंने सुना है, और वो जब बुरा वक्त होता है तो किसी गॉडफादर की तलाश में होते, तो उसमें चार टाइप की पब्लिक हो या चार टाइप के लोग हैं। एक है गुरुजी टाइप्स, झांसा राम बापू, असत्य साईं बाबा, और एक है मतलब ये तो बाबा जी गुरु जी टाइप्स हो गए, निर्बल बाबा, श्री श्री राधे माँ, पता नहीं श्री श्री राधे माँ गोदी वाली महता है। दूसरे तांत्रिक टाइप्स, चेहरा देख के दिल का हाल बताने वाले, महीने बाद अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहते। तीसरे हो गए हम ज्योतिषी, शनि राहु केतु वाले। चौथे हो गए पंडित जी, पूजा पाठ वाले, फिर लगाए घूमते। तो चार टाइप के आदमी, बेसिकली चारों में प्रॉब्लम है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम है। बट दीज आर दी नाइन heavenly bodies we will be talking about, with me Rahu Ketu is not your body, does do not carry any body, there are total points. Ab hum samajhte hain ki solar system hai kaise. Theek hai, beech mein sanna sir, to jab solar system bana kaise, jaisa ek theory hai called big bang theory, which is the most accepted theory, कि जो भी आपको ब्रह्मांड के अंदर जितने भी स्टार्स वगैरह नजर आ रहे हैं, ये सब पहले इकट्ठे थे, फिर एक बिग ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, और डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज बन गई, मींस क्लस्टर ऑफ स्टार्स। उन सब जो गैलेक्सीज के अंदर जो न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट है उसके अंदर मास सबसे ज्यादा, तभी सब उसी मास के आसपास घूमते हैं। माना आजकल जो नई न्यू जो साइंस है वो ये बता रही है कि उसके बीच में ब्लैक होल है, सभी गैलेक्सीज के बीच में, तभी वो सबको खा रहा है। अब डिफरेंट स्टार्स हैं एक गैलेक्सी के अंदर, गैलेक्सीज कितनी है काउंटलेस, एक गैलेक्सी में स्टार्स कितने हैं काउंटलेस। हमारा जो स्टार है सन, वो किसी एक इन काउंटलेस गैलेक्सीज में एक स्टार है। इनमें भी तीन इन्होंने मेजर जो है क्लासिफिकेशन के स्टार्स में, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, हमारा मीडियम। अब ये जो सन भी बना तो ये भी क्लाउड जैसा ही था, तो जब ये ठंडा हुआ तो बीच में सन रह गया, और जो छोटे छोटे थे वो फिर पैनेट हो गए, जल्दी ठंडे हो गए, अर्थ ठंडी होगी, इसका अपनी तो कोई एनर्जी है नहीं, लेकिन सन में एनर्जी निकल रही है जिसकी वजह से हम जिंदा है। धूप नहीं होगी तो खत्म हो जाएगा, धूप नहीं होगी तो ये ना तो पानी समुद्र से आएगा, बरसात होगी, ना पेड़ उगेगा, ना फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है ना। तो सन पे क्या हो रहा है, एटॉमिक फ्यूजन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिल रहे हैं और टना ठन पटा पट ठा ठा विस्फोट हो रहे हैं, उसकी जो एनर्जी हमारे को यहां पर। तो सन से सबसे नियरेस्ट कौन है, मरकरी के बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है सही। अब एक आपने शब्द सुना होगा जोड़ी, अब एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जितने भी प्लैनेट हैं, अब जोड़ियों को पकड़ते हैं तो क्या है, इस सन को मैं ले लेता हूं सेंटर,
अर्थ कहा जाता है उसे। ठीक है, इसमें मैंने मिलाई एक इमेजिनरी लाइन। ये बाकी जितने प्लैनेट हैं, मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये 8 डिग्री इस लाइन से या तो ऊपर है या नीचे। तो ये जो बेल्ट है 16 डिग्री की, ये जो 16 डिग्री की बेल्ट है, दिस इज कॉल्ड द ज़ोडियक। तो जाएगा ये आज भी ऐसे ही है, 8 डिग्री पर। 8 डिग्री जब बनी थी तब ऐसी भाई, मतलब ये बाहर ही जाते हैं 8 डिग्री के। 8 डिग्री हमारा जोड़िए किसी में, ये जो हमारी जो आप जोड़िए को, ये जो प्लैनेट्स हैं, जो 7 प्लैनेट जो हैं, ये इसी पे इसी 16 डिग्री के अंदर मूव करते हैं। हाँ, ये स्टडी है, ये नहीं है इसके ऊपर, ये नहीं है कि एक यूं घूम रहा है, एक यूं घूम रहा है, ये सारे एक ही प्लेन में बैठ हो गए। जैसे बेल्ट है, बेल्ट हो गया, जैसे बेल्ट हो गया, आपने कमर पे जैसे बेल्ट रखा, 16 डिग्री की बेल्ट हो गई, उसी में सारे घूम रहे हैं एक ही प्लेन पे मोरोप्लस। गॉट इट। और इसकी हमने फिर सब डिवीजन कर दी 30-30 डिग्री, तो टोटल 360 डिग्री। इसके जो पीछे हम दिखता है हमको एरीज, उसके पीछे टॉरस, उसके पीछे जेमिनी, उसके पीछे दूर तक हमें क्लस्टर ऑफ स्टार जैसे दिखते हैं। एक दिख रहा है मेल भेड़ की तरह, दूसरा दिख रहा है बैल की तरह, तीसरा दिख रहा है जेमिनी, लड़का और लड़की एक दूसरे को देख रहा, चौथा दिख रहा है केकड़े की तरह, पांचवा दिख रहा है लॉयल की तरह। तो इसके 30-30 डिग्री के फिर हमने सब डिवीजन कर ली। दीज आर साइंस। सन और अर्थ के बीच में हमने सेंटर में लाइन खींच दी। जितने भी प्लैनेट्स हैं 8 डिग्री प्लस 8 डिग्री माइनस, 8 डिग्री नॉर्थ 8 डिग्री साउथ के अंदर ही सन के आसपास चक्कर काट रहे। ये 360 डिग्री की जो 8 प्लस 8 माइनस 16 डिग्री की बेल्ट है, इसी को हम ज़ोडियक कहते हैं। एंड दीज आर डिवाइडेड इंटू 12 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड साइंस। इनके दूर तक, अनकाउंटलेस दूर तक जो स्टार फॉर्मेशन हैं, जैसे एरीज है वो मेल भेड़ जैसी लगती है, टॉरस है वो बैल जैसी लगती है, लास्ट जो पाइसिस है 12वीं वो दो मछलियों जैसी फॉर्मेशन है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड साइंस। हिंदी में कहते हैं राशि। अच्छा, इसको एक चीज, जैसे सैटर्न है वो 8 डिग्री या 7.7 डिग्री ऊपर ऊपर वाले, हो सकता है वो नीचे वाले 7.7 पे आ जाए थोड़े समय के बाद, या वो 7.7 ऊपर वाले भी घूमता रहे। नहीं होगा, फिलहाल नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा वो, नीचे वाले पे नहीं जाएगा। मुझे खुद भी नहीं पता, तो ये तो एस्ट्रोनॉमर ही बताएगा, मैं अभी इतने डीप में गया नहीं।
अच्छा वो ऊपर आगे नीचे हमारे को उसका असर उत्पन्न करेगा। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी में, तो मैं ज्यादा एस्ट्रोनॉमी में डीप में गया नहीं। आप मेरे को ये बताओ कि मर्करी इस लाइन से ऊपर है कि नीचे है, वीनस नीचे है ऊपर है, मेरे को जवाब तो पता नहीं। तो ये पता है कि जोडियक 16 डिग्री का है, उसमें उसी में है सर। इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं ऊपर और नीचे, आपकी इच्छा है आप गूगल कर लो। आप ये चीज जो आप बता रहे हैं ये एस्ट्रोनॉमी की है, हमारे शास्त्रों में एस्ट्रोनॉमी नहीं है। क्या बात कर रही है, एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म में है। क्या बात कर रही है, एस्ट्रोनॉमी अलग से भी शब्द है सर, भूगोल है सर, भूगोल है, नाम ही भूगोल है सर। अच्छा उसको भूगोल कहा गया सर, नाम ही भूगोल है। अब बात करें तो ये जो एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी अलग नहीं, नहीं एस्ट्रोलॉजी और ज्योग्राफी तो एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी तो अलग है, पर ज्योग्राफी पर उन्होंने भूगोल बोला है तो ये तो मान लीजिए ना आपकी उनको पता है पृथ्वी गोल है। अभी मैं बताऊंगा ना सर आपको खुद उनको कितना पता है, तो मैं बताता हूँ। ये तो सर हम बता रहे हैं कि मतलब जो हमारे जो सिलेबस है वो इंग्लिश सिलेबस है। हमारा जो पहला शिक्षा मंत्री था उसका क्या नाम हिंदुस्तान मौलाना आजाद, तो पहला शिक्षा मंत्री सर वो कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था, मक्का में सर। तो हमें क्या पढ़ाएंगे वो कि ग्लोरी कहां की है, मुसलमानों की ग्लोरी कहां की है, यूरोप की नंबर वन कौन है, इब्राहिम रिलीजन तुम कौन हो, तुम जो है हमारे फॉलोअर्स हो, तुम हमारे सेवक हो। जो थ्योरी जो है जो हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की थ्योरी जो या एस्ट्रोनॉमी जो उन्होंने पढ़ाई है वो अपने कोई नाम देते हैं कि हम ही ने बताया, हम ही ने बताया। फादर ऑफ साइंस कौन है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो अलेक्जेंडर का गुरु था, अब अलेक्जेंडर को उसने क्या बताया, जा लड़ मर, यही पढ़ाया ना। हमारा गुरु क्या बोलेगा, स्टीव जॉब्स हमने नाम सुना होगा, एप्पल जिसने कंपनी बनाई वो किसका गुरु सर, मार्क जुकरबर्ग का। मार्क जुकरबर्ग कौन, फेसबुक का मालिक। तो मार्क जुकरबर्ग ने स्टीव जॉब को कहा कि मेरी तरक्की नहीं हो रही, बोले तूने तरक्की करनी है गो टू इंडिया मीट नीम करोली बाबा। आई एम डिसाइपल ऑफ नीम करोली बाबा, मेरी तरक्की नहीं हो रही थी, आई वेंट टू नीम करोली बाबा। How many of you us know Neem Karoli Baba? Nobody. मैं आपको बता रहा हूं कि अमरीकियों को पता नहीं खाना क्या है। अमरीका से हम मशीन मंगाते हैं MRI की पता करने के लिए, आज तक MRI की मशीन ने बताया क्या ये मुझे पता नहीं चला। अब डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चला सब ड्रामा हो रहा है। जब मुझको फूड इंटेक का नहीं पता तो मेडिसिन इंटेक का टट्टू पता क्या, आपको फूड इंटेक का नहीं पता मेडिसिन इंटेक का क्या पता। बोले आइसक्रीम खा लो साथ में जुकाम की दवाई भी खा लेंगे, ऐसा थोड़ा होगा सर। कॉफी भी लेते ऊपर जब शादी में जाते हैं तो क्या करते, खाना खाते ऊपर कॉफी घर में पीते, नहीं उनको पता नहीं हमने क्या खाना, ध्यान ही रखते। और एलोपैथी का डॉक्टर ज्यादातर फूड के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करता, आयुर्वेद का गेम ही सारी फूड पे है, ये नहीं खाना ये खाना, बरसात में निकलना नहाना तब उठना तब फलाना तब, तो उसको तो हर कला ड्रामा। अब हमारे को क्या कि हमारे पास ना फुर्सत नहीं है, वो क्या कहते हैं वो आयोडक्स मलिए काम पे चली जाए, हम तो ये जानते हैं भाई फटाफट गोली मुंह में डाल भाई चल, सिर दर्द हो रहा कोई बात नहीं गोली मुंह में डाल चल, वो सिर दर्द की गोली खा, बुखार है बुखार की गोली खा। तो भैन जी हूं मैं ठीक हाँ भैन जी, सवेरे उठनी है एक गोली ले लेनी है अपनी थायराइड,
फिर अपनी ले लेती एसिडिटी दी, फिर ये दो बिस्कट ले लेते मेरी दे चाह पी लेती ते अपनी जड़ी हैगी एक दर्द वाली ले लेती गोडे दर्द करते गोडे दर्द वाली ले लेती, एक बीपी की ले लेती, एक शुगर की ले लेती, एक हार्ट की दो ले लेती, एक विटामिन की ले लेती, फिर अपना नाश्ता कर ले, फिर थोड़ी घूम आनी है, फिर दोपहरी रोटी खा के थोड़ा सो लेता दो गोली, फिर खाती शामी सवेर खानी आदि ने सारिया, हूँ ठीक है भैन जी हूँ मैं ठीक हाँ। वैसे हमारे बुजुर्गों को देखो किसी ने सारी ना हार्ट की गोली खाई कसम। मैं आयुर्वेद के लेक्चर में गया तो वो जो हकीम साहब थे हकीम कहते या जो आयुर्वेद के डॉक्टर थे वो बोले सर आप सब बैठे हैं यहाँ पर मोस्ट वेलकम फॉर लेक्चर ऑन आयुर्वेद बट प्लीज वही लोग बैठे जो ये मान लें कि आपके जो बुजुर्ग थे आपसे ज्यादा तंदुरुस्त थे और उन्होंने कोई डब्बा नहीं खाया विटामिन ए बी सी डी का, ना प्रोटीन खाया ना कुछ खाया, उन्होंने गुड़ और रोटी खाई, फ्रूट में ज्यादा केला खाया, वो गलती से लस्सी लुस्सी पी है बस इसी में काम चल गया। दिस वाज़ द फूड। मैंने महाराणा प्रताप ने क्या खाया और कुछ भी नहीं, वेजिटेरियन आदमी भाई, राजस्थान में मिलता है क्या है? बाजरे की रोटी मिलती है, गेहूं नहीं मिलता, चावल का मतलब नहीं, मिर्च मिलती है, मिर्च मिलती है, मिर्च भी सर ये बहुत बाद में आई है, ये तो इम्पोर्ट की गई थी वहां से, लाल मिर्च जो है अर्जेंटीना से, हमारा तो प्रोडक्ट ही नहीं है रेड मिर्च, हमारी तो ब्लैक पेपर इज अवर प्रोडक्ट। एनीवे तो बात ही डिफरेंट है सर, वो क्या बताएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं वापस इस पे, जोडियक ये हो गया सर जी, साइंस हो गया, अब आपको साइंस के नाम भी रटने हैं, ये भी रट्टा मारना पड़ेगा, वो आपको रट्टा मारना है, मैं वो भी नाम लिखूं तो अखबार में पढ़ लेते रोज ही, चलो अखबार में पढ़ लिया, चलो अखबार में पढ़ लेना, उनके सिंबल्स भी आता है, सिंबल्स वैसे हम यूज नहीं करेंगे, विल नॉट बी यूजिंग, अखबार में सिंबल होते हैं, हम यूज नहीं करने वाले पूरी, मतलब हिंदू ज्योतिष में सिंबल्स यूज नहीं होते। एंकल को आपको अगर कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का चार्ट मिल गया ना तो आपके लिए इट विल बी जानकारी होनी चाहिए, इट विल बी व्हाट इज यू डोंट नो, इट विल बी ग्रीक, वो है भी सिंबल वैसे ग्रीक ही, इट विल बी ग्रीक टू ना। अब आ जाते हैं, आई हैव टू एक्सप्लेन राहु एंड केतु, अब राहु केतु मेरे को एक्सप्लेन करना है, ये आप समझ लीजिए सन और अर्थ जो है सन के आसपास चक्कर काट रहे और मून जो है वो अर्थ के आसपास चक्कर काट रहे, तो दो जगह पे कटेगा सर, ऐसे चक्कर काट रही है ऐसे दो जगह पे कटेगा, ये जो दो पॉइंट है दीज आर कॉल्ड राहु एंड केतु। अच्छा, ये पॉइंट हमेशा रहेंगे, कोई सेंटर वाली लाइन नहीं, दिन कोई भी चेंज हो, महीना कोई भी चेंज हो, हमेशा रहेंगे वो पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, मतलब वैसे लाइन ही है ये लाइन भी इमेजिनरी है बट उसके जो पॉइंट है ये रहेंगे और ये घूमते रहते हैं, विल मूव विद द मूवमेंट ऑफ द अर्थ सन एंड मून की रिलेटिव मूवमेंट से ये अपने आप ही मूव करेगा। हां, ये जो आपने पॉइंट्स बनाए लाइन के ऊपर, ये सेंटर वाली लाइन ही है क्या? नहीं, सेंटर वाली लाइन है ना, वो इमेजिनरी है ना, इस तरह से मून को लूंगा, मून का भी सेंटर ही लूंगा, मून का भी सेंटर ही लूंगा, यहाँ से लूंगा, यहाँ से लूंगा, यहाँ से लूंगा, कहीं से तो लूंगा, इसलिए सेंटर ही लूंगा हमेशा। जब मून इस पॉइंट पे आ जाएगा तो या तो राहु से क्लोज हो जाएगा या केतु से क्लोज हो जाएगा, अगर वो बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया तो फिर वो जो है यहाँ पर आ गया,
तो ये मेरे ख्याल से सन सोलर एक्लिप्स ग्रहण पड़ते हैं वो ये सोलर एक्लिप्स अगर मून एग्जैक्टली आ गया तो ये सोलर एक्लिप्स हो जाएगा अगर यहाँ आ गया तो लूनर एक्लिप्स उसको ढक देगा उसको लेकिन एग्जैक्टली हमेशा ऐसा नहीं होता क्योंकि उनके प्लेन के अंदर 8 डिग्री का फर्क है तो एग्जैक्टली अगर आ जाता है तो 3 डायमेंशनल है ना सर टू डायमेंशनल तो है नहीं तो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाता है तो एक्लिप्स हो जाता है तो कभी पूरा हो जाएगा कभी आधा हो जाएगा कभी कैसा हो जाएगा कुछ सालों बाद कुछ सालों बाद आ जाएगा उसकी कैलकुलेशन जिनको इसके मूवमेंट के बारे में जानकारी है कि इनकी क्या मतलब मूवमेंट है तो एस्ट्रोनॉमर कैन टेल एनी एस्ट्रोनॉमर कैन टेल हमारे को उतना की जरूरत नहीं हमने तो देख लिया भाई एस्ट्रोनॉमर ने बता दिया हमने देख लिया हमें तो रिजल्ट देखना कि अगर ये हो गया तो उसका रिजल्ट है हमें इससे कोई मतलब नहीं ये कब होगा उसके लिए हमारे को बुक मिलती है एस्ट्रोनॉमिकल बुक मिल जाती है जो एस्ट्रोनॉमिकल बुक बता देती है कि भाई अब जो पूर्णमासी हो रही है इसमें ल्यूनर एक्लिप्स होगा यानी या होगा तो कब होगा वो हर साल की एक बुक आती है उसको बुक को कहते हैं एफेमेरिस एफेमेरिस जो है वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा दैट पर्टिकुलर बुक गिव्स द प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस टू प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन चल जाते हैं ड्रॉर में है ड्रॉर में है देखो ये है जोशी ये सचिन कुमार जोशी है ये बता भी देते हैं कि किताब पढ़ी का कितने ज़बरदस्त जोची ये इंडियन एफएमआरएस होते हैं नेक्स्ट टाइम आई एक्सप्लेन यू कि इसके अंदर ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन लिखे होते हैं कि डिफरेंट डेट पे डिफरेंट पॉलिटिकल प्लैनेट कहां पर होगा है ना हर साल की आती है जैसे 2019 की ये इंग्लिश में आते हैं इसको एफएमआरएस कहते हैं हिंदी में पंचांग को ही कहते हैं पंचांग अंग्रेजी में एफएमआरएस कहते हैं पंचांग ये तो राहु केतु मैंने एक्सप्लेन कर दिया मून जो सैटेलाइट है सैटेलाइट वो हेवनली बॉडी व्हिच मूव्स अराउंड द प्लेनेट ठीक है अब आ जाते हैं मूवमेंट्स ऑफ अर्थ पता है सर दो दो तो आपको पता है पहली क्या रोटेशन ठीक है रोटेशन इट्स ऑन एक्सिस रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस ठीक है दैट इज 23 hours 56 minutes एंड 3 seconds ठीक है अब क्योंकि वो रेवोल्यूशन भी हो रही है उसकी तो एक दिन के अंदर या तकरीबन 24 घंटे में थोड़ी आगे चली जाती है थोड़ी आगे चली जाती है तो जब रोटेट हो रही है तो उसको फेस को फिर सन के आगे करने में 3 मिनट 57 सेकंड और लग जाते हैं। मैं जैसे चलता भी जा रहा हूँ और घूमता भी जा रहा हूँ तो और आगे चले गया अब मैं आगे चला गया तो मेरे को उसी एक स्टेशनरी आर्टिकल की तरफ फेस करने थोड़ा सा मेरे को और रोटेट तो रोटेशन ऑन इट्स इन ऑन इट्स ओन एक्सिस तो यही है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस ये है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सन जो है वो 24 hours दूसरी क्या है रेवोल्यूशन अराउंड सन तो ये हो गया 365 अब आ जाते हैं तीसरी मूवमेंट हो रहा है जो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती तो वो जो है या तो एस्ट्रोनॉमर को पता होती है या हमारे किसी काम की है तो हम भी पढ़ लेते हैं ठीक है इसको कहते हैं इसका जो संस्कृत का नाम है अनाश तो इसको कहते हैं प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स ये वो ये समझाता हूँ ये है क्या व्हाट इज दिस मोमेंट
लट्टू किसे चलाया? लट्टू चलाया जब स्लो होता है लट्टू और फास्ट होता है लट्टू में मूवमेंट में क्या फर्क आ जाता है? ऐसे से हो जाता है जो जब वो जब फास्ट होगा तो यूं चलेगा, स्लो होगा तो यूं चलेगा, यूं भी चलेगा और यूं भी चलेगा। तो अर्थ यूं भी चल रही है और यूं चल रही है, तो रोटेट भी होती है और इसकी एक्सिस भी मूव कर रही है। अभी बड़ा ध्यान से समझने वाली है, सीधे ना होकर के ऐसे हो जाता है एक्सिस, एक्सिस यूं भी घूम रहा है उसका। सर्कमफेरेंस बढ़ जाता है उसका, सर्कमफेरेंस नहीं बढ़ रहा जी, मतलब उसकी जो एक्सिस है वो भी घूम रही है, एक्सिस डिग्रीज में एक्सिस खड़ी नहीं है, जीरो डिग्रीज को छोड़ करके वो कुछ डिग्रीज में जा रहा है, पूरी तो घूमेगी एक्सिस भी तो घूमेगी पूरी। तो 360 डिग्री पूरा घूमने में प्रिसेशन ऑफ इक्विनोक्स ये लेता है कितना, 26,000 कितने रहता है? नहीं समझ में आया सर, 360 डिग्री कौन सा घूमेगा ये सर? उसकी जो अच्छा अच्छा एक साथ नहीं घूम रहा जल्दी, लट्टू बहुत जल्दी घूम जाता है ये, बहुत धीरे, बहुत ही धीरे घूम रहा है, नेगलिजिबल स्पीड। हाँ हाँ ठीक, कितने साल होते हैं? 26,000 साल, 25,924। और ये घूम रहा है जो मूवमेंट है अर्थ की उससे उल्टा, कैसे सर? जो रोटेशन है वो तो यूं है, मतलब अर्थ की रोटेशन, सॉरी अर्थ की रोटेशन है ऐसे, लेकिन ये घूम रही है ऐसे, जो सॉरी जो अर्थ की रोटेशन है ऐसे और रेवोल्यूशन है ऐसे, तो ये उससे उल्टा घूमती है। मैं दोबारा बता दूं, अर्थ की रोटेशन है, रोटेशन एक रोटेशन रेवोल्यूशन से उल्टी घूम रही है, मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है। जो अर्थ की जो रोटेशन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, हमें लगेगी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? तो वो जो मूवमेंट जो रेवोल्यूशन की है, जो भी मूवमेंट है उससे ये उल्टा घूम रही है, ठीक है? अब ये 26,000 साल टोटल लगते हैं, 25,924 टू बी वेरी एग्जैक्ट, तो ये इसका मतलब 30 डिग्री घूमने में 2000 समथिंग साल लग गए। उसको लेंगे ना 26,000 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो कितने हो जाएंगे तीन, देखिए आपको बताइए कैलकुलेटर से करने, फिर 866 तकरीबन। अब 1 ईयर में हो गया, 1 ईयर में, अब ये 36-60 डिग्री 36,000 में 1 डिग्री में हो गया, अब लगा यार 1 डिग्री में लगा उसको, फिर 28.86 आ रहा है सर, 866 डिवाइड बाय 30 12 से डिवाइड होना चाहिए, 70-72 साल। अच्छा अच्छा ओके सर, 72.16 तो 1 ईयर में इसकी जो है दैट इज 50.23884 सेकंड्स पर ईयर। अच्छा ये 72 साल में 1 डिग्री घूमे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया 1 डिग्री के, 60 मिनट्स हो गए, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 साल में बहुत नेग्लिजिबल। 3600 से आप भाग दे देंगे इसको 7200 का, 72 का तो वो आ जाएगा आपका, ये तो भी आ जाएगा, इतना सेकंड आ गया, सेकंड है लेकिन लेकिन बस 72 हो गया ना, 1 साल सॉरी 1 डिग्री में 72 साल हो गए, तो ये तकरीबन 50 सेकंड के करीब आएगा ना, अप्रोक्सीमेटली 50-51 सेकंड के करीब, वो इतनी एग्जैक्ट फिगर हमें में हुआ क्या, मतलब 1 साल में अर्थ के मूवमेंट में क्या असर हुआ सर? अर्थ ऐसे रोटेट करके, सॉरी ये देखो ऐसे रोटेट करके ना, उसके साथ ही ऐसे भी रोटेट कर दिए, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये 26,000 साल में पूरी होगी, ये तो बड़ी फास्ट हुई, 1 साल में तो बहुत थोड़ी सी हुई, हुई नहीं सर, एक साल में तो हुई नहीं। लट्टू के दो मूवमेंट है ना, एक तो रोटेशन है, एक उसकी एक्सिस भी घूमती है, उसकी रोटेशन से उसकी एक्सिस घूमती तो स्लो ही है ना,
26,000 साल में उसके अपने जैसे पोल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। पोल पूरा घूम रहा है ना, नॉर्थ पोल ये पूरा यूं घूम रहा है जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आ जाएगा दोबारा वो 26,000 साल होगा। 26,000 साल और एक साल में वो थोड़ा सा आगे जाएगा बस, वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में। अब एक तरह से 72 साल में अप्रिशिएबल मूवमेंट होगी, एक डिग्री थोड़ी अप्रिशिएबल है ना। तो आपको याद होगा पहले 13 साल को 13 तारीख को अप्रैल में ब्याह वैसाखी होती थी, अब 14 आगे आ गई है, अब 15 हो जाएगी, फिर 17 साल, फिर 16 हो जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। मतलब अपन सर अपना कैलेंडर भी रेक्टिफाई कर रहे हैं इसके हिसाब से, एवरी 72 इयर्स अपना कैलेंडर रिवाइज हो रहा है एक एक दिन से। देखो इसमें फर्क है सर, वो अलग चीज है, ये अर्थ की अपनी मूवमेंट है, इसमें जो उसकी मूवमेंट अराउंड द सन से कोई लेना देना नहीं इसका। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा दिखना अलग चीज है, हो वही रहा है, हमारे हमें दिखेगा अलग, लेकिन अर्थ की मूवमेंट वो रहेगी। अब जो जो कैलेंडर है ये डिफरेंट टाइप का कैलेंडर है, कौन से कैलेंडर की बात करो ये भी समझने की बात है। जो आपका जॉर्जियन कैलेंडर है उसमें तो कुछ होना ही नहीं, फर्क आएगा जब कैलेंडर जो है वो डिपेंड करेगा जो जिस जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर है वहां आएगी। जैसे हमारा जो कैलेंडर है वो शुरू होता है विक्रमी संवत, अभी जो शुरू हुआ गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में कहते हैं, है ना, तो वो कब शुरू होता है पता आपको? वो एस्ट्रोनॉमिकल है, उसका ये फिक्स नहीं है कि हमने 365 दिन बाद जनवरी फरवरी, वो नहीं है। वो है कि व्हेन सन मून आर इन पाइसेस इन द सेम डिग्री, मैं इसको कराऊंगा बाद में, सन मून आर इन पाइसेस एट द सेम डिग्री, पाइसेस साइन हो गया, अगेन व्हेन सन एंड मून आर इन पाइसेस इन द सेम डिग्री मींस अमावस्या, वहां से प्रथमा शुरू होती है, प्रथम नवरात्रा जो अमावस्या खत्म होगी, फिर प्रथमा द्वितीय शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, तो आज अष्टमी है, कल नवमी है, सही है, कल नवमी है, ठीक है ना सर। तो ये हमारा साल है, ये में चेंज आएगा विद बहुत सारे साल बाद, एक हमारे जिंदे रहते तक कुछ नहीं होना, 72 साल ही हमारी होनी नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलना, लेकिन आप उसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आज से 200 साल 250 साल पहले क्या था, 500 साल पहले क्या था, 866 में 30 डिग्री का फर्क आ गया, ठीक है। अब आइनांस वाले जो बताई मैं बाप ने जो भी कुछ जानकारी दी है, इसका ज्योतिष में कुछ वो है इसका उपयोग है? प्रत्यक्ष शास्त्र को यूज करेंगे, उपयोग है इसका प्रत्यक्ष शास्त्र प्रयोग करेंगे कि हम पृथ्वी पे बैठे हैं, टेलीस्कोप भैया हम यही लगा सकते हैं, सूरज पे लगा नहीं सकते मेरे भाई, तो हम यही से स्टडी करेंगे। मतलब अपन जो प्लैनेट्स को देख रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एक एरर को लेकर चल रहे हैं अपन, कि ये जो आप एरर नहीं बोलते इसको, हम एनाश मूवमेंट को मान के चलते हैं, तो इसको हम जैसा दिखेगा वैसा देखेंगे, लेकिन हमें पता है ये सिर्फ अर्थ घूम रही है, हमारा लोकेशन चेंज हो जाती है उस टाइम, अप्रिशिएट अपने को उसको उतना ऐसे कैलिब्रेट करके फिर आगे देखने का, यही हुआ। कैलिब्रेट करना नहीं करना हमारी मर्जी है ना सर, हम ऐसे ही ले लेंगे सनू की पहुंचना है उस पर डिपेंड करेगा, वो हमारे पर डिपेंड करता है ना, वो तो हम देखेंगे, लेकिन ये देयर इज अ मूवमेंट, अभी तक यहीं तक रही है, अभी ज्यादा मिलते हैं 5 साल पहुंचना था, बाद में आपको लगेगा हम इसी को ले लेते हैं, तो फिर उसको कैसे हमें डील करना है आई'ल एक्सप्लेन, ठीक है। अब आ जाते हैं ये हो गया, अब इसको निकाला किसने था सर, जो आप कह रहे हैं ना अभी अंग्रेज वगैरह ये सब, इसको निकालने वाला तो लगा ये आदमी का जो एस्ट्रोनॉमर है, इज अ हिंदू एस्ट्रोनॉमर, हिंदू एस्ट्रोनॉमर है, 700 BC में इसने बताया था, लेकिन इससे पहले भी पता होगा, तो भीष्म पितामह को उत्तरायण का पता है, तो मुझे नहीं लगता कि भीष्म पितामह को होगा, मुझे नहीं लगता, ये लगत नहीं, जो हमारी हिंदी इंडियन मैथमेटिकल हिस्ट्री है लगत नहीं पाइथागोरस थ्योरम निकाली, तो बिना पाइथागोरस थ्योरम के कोई भी भाई का लाल पाइथागोरस थ्योरम को निकाले कोई माई का लाल जो ये Distance. नहीं निकाल सकते, ज्योमेट्री है ये तो, डिग्रीज एंड डिस्टेंस, सिंपल ज्योमेट्री है सर,
जब हमारा जो कौन आर्यभट्ट मतलब 200 पता नहीं 300 एडी में बता सकता है कि 1997 के या पता 1996 के अंदर 2000 साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा, तो कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग होती होगी। ये एरिस्टोटल तो कहीं ठहरता नहीं, डिग्रीज तो हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में पहले से वर्णित है। बिल्कुल, तो उन डिग्री से ही उन्होंने डिस्टेंस निकाले होंगे। जी बिल्कुल, तो पाइथागोरस तो बहुत बाद में आया, उसको पता ही कैसे, वहीं से कुंती पे टापे भी हम ही गए, हम ही से पढ़ने आते। आर्यभट्ट ने जीरो जरूर दिया, नहीं सर ये कोई नहीं जानता, हम कहते हैं बट यूरोप पैदा यही हुआ है हिंदुस्तान में, ये क्लियर है, लेकिन किसने किया ये नहीं मानता, ये कोई, ये सब मानते हैं, ये अंग्रेज भी मानते हैं। भाई जब हमारे यहाँ पर जब सभ्यता थी तो उनके यहाँ नहीं थी ना सर, ये अंग्रेज तो बहुत बाद में आए स्पेनिश और पोर्चुगल से, स्पेनिश पोर्चुगल पहले आ गए थे। तो जो क्रिश्चियनिटी है उसका जो मक्का हो गया वो वेटिकन सिटी होगी, वेटिकन क्या है वाटिकान से निकला, वाटिका, वाटिका से वाटिका। क्रिश्चियन क्या हो गया, कृष्णा नहीं थी उससे कृष्ण क्रिश्चियन बने, ठीक है ना सर जी, वो बदलते जा जाते ना सर, शब्द बदल जाते हैं, वो नरंखा कहते हैं उसमें लैटिन में, हम नरंगी कहते हैं, हम दो कहते हैं वो दोस कहते हैं, हम तीन कहते हैं वो त्रेस कहते हैं, वो गिनती वही है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वही गिनती है, उनकी गिनती भी कुछ है ही नहीं, इससे वो फर्क नहीं। अब जब ये पोर्चुगल और स्पेन जब ये पावरफुल थे तो इनको पता चला कि पृथ्वी जो है गोला है, तब पता चला, लेकिन उससे पहले इनको नहीं पता था, इन्होंने जब इन्होंने शिप चलाए तो पता था, लेकिन शुरुआत में भी इनको नहीं पता था, इनको लगा था कि भाई ईस्ट और वेस्ट है, बस ईस्ट में और एक वेस्ट में। तो पोप ने कहा स्पेन को तू वेस्ट ले ले और पोर्चुगल को कहा तू ईस्ट ले ले, तो कोलंबस चला गया वेस्ट, तो वास्कोडो में आ गया, वास्कोडेगामा आ गया ईस्ट, बस इनको तो पता ही नहीं था गोल है। हम तो शुरू से कह रहे हैं भूगोल है, हमारे जो वराह अवतार हैं वो तो पृथ्वी को सिंह पे लिए, तो सिंह वो गोल ही थी ना सर जी, इनको नहीं पता सर जी। हमने हमारे जो एजुकेशनिस्ट रहे हैं शुरू में तो मुसलमान रहे सर, पहला जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है वो मौलाना आजाद, वो तो पैदा ही मक्का में हुआ, तो आप खुद समझ लें सर उसको क्या लेना देना हिंदुस्तान से सर। उसके बाद जो है कम्युनिस्ट आ गए 1968 या 9 में जब इलेक्शन हुए हैं, इंदिरा गांधी कुडंट गेट द मेजोरिटी, took outside support from communist, communist gave outside support, they didn't enter into the government, उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट में नहीं आएंगे, बाहर से सपोर्ट कर देते हैं। अब सर बाहर से सपोर्ट करें चाहे कुछ कुछ तो लेंगे, उन्होंने कहा क्या चाहिए, उन्होंने कहा बोले यूनिवर्सिटीज हमको, कम्युनिस्ट जो है इन्होंने एजुकेशन ले लिया पूरे हमारे कंट्री की और यूनिवर्सिटीज ले ली। तो ये जो आपका ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों उसमें नहीं देता उन्हीं की भाषा हमारी थोड़ा ना भाई, हमें क्यों टुकड़े करने हैं भाई। कश्मीर कश्मीरियों का है, तमिलनाडु मेरा भी है, तमिलनाडु आपका ना सर मेरा भी है, मैं वहां जमीन ले सकता हूँ, तमिलनाडु मेरा, लेकिन तमिल एक तमिलियन कश्मीर के लिए जान देता है, तमिल के लिए कश्मीर नहीं, क्या बात मूर्खता वाली बात। तमिलनाडु के लिए तो आप नहीं मर रहे ना, लेकिन वहां पर आप जमीन खरीद सकते हो, आपको पूछता नहीं, लेकिन कश्मीर के लिए हिंदुस्तान का फौजी चाहे पंजाब का हो चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो चाहे असम का हो चाहे कलकत्ता वेस्ट बंगाल का हो चाहे तमिलनाडु का हो, सारे मर गए, सारे स्टेट्स के मरे होंगे, लेकिन कहते हैं कश्मीर हमारा, वैसे तुम्हारा किस बात का, मर हमरे मर तो है तुम्हारा। तो That is what I'm trying to say, sir. उनकी सोच बिल्कुल different है, sir.
हम सोचते नहीं ये बात बोला, हमने सोचना बंद कर दिया, इज अ सेपरेट इशू ऑल्टुगेदर। बट जो साइंस है वो यहीं से शुरू हुई है, वापस आ जाते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो मान रहे हैं एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइंस, वो सब बकवास बोली है उसने। उसने हमेशा यही बोली कि अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स मूव ऑन द अर्थ, बट एस्ट्रोनॉमी एरिस्टोटल यूज टू टीच। व्हाट ही टॉट टू अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर डाइड एट द एज ऑफ 33, उसकी लंबी जिंदगी होती। हम तो अब बच्चा पैदा था, हम उसको कहते हैं आयुष्मान भव, उसने मरवा दिया उसको, इसलिए तू जीत ले। क्या मिला, क्या मिला, जीतता चला आया, ऐसे में तू ही मर गया। वापिस सब अपने अपने जगह पे बैठ गए, वही हो गया, सोमनाथ का मंदिर लूट गए, तोड़ दिए, सब कुछ कर ले, फिर सोमनाथ का मंदिर मारा। आपको पता सर, आप तो सीए हैं, कि हिंदुस्तान के पास कितना गोल्ड है। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, जितना बैंक ऑफ अमेरिका के पास गोल्ड है उससे 3 गुना गोल्ड हमारी जनानियों के पास है। तो गलत कह रहा हूँ, सही क्या बड़ा? एलन ग्रीन स्पैन का नाम सुना आप? ठीक है, ये था बंदा जो क्रेडिट कार्ड लेके आया, यही बंदा था जो कंसल्टेंट था जिसने जापान को इकोनॉमिक्स की कंसल्टेंसी दी। उसने कहा क्रेडिट कार्ड बनाओ, वो इसमें रिसेशन आ गया अमेरिका में, उसने क्रेडिट कार्ड बनाओ। क्रेडिट कार्ड बनाने का बेनिफिट क्या है सर? आपकी अगर 1,00,000 रुपए महीने की तनख्वाह है तो आप 5,00,000 रुपए खर्च करो, 3,00,000 रुपए खर्च कर सकते, या 2,00,000 रुपए खर्च कर सकते। तो अब आपको आदत डाल दी खर्चो, जब आप खर्चोगे तो जाहिर सी बात है आप एक जो आपको रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए, आप रेफ्रिजरेटर ले आओगे, तो काम मिलेगा सबको, काम मिलना शुरू हो गया, पहले इकोनॉमी बूम कर गई। लेकिन साला पैसा वापस कौन करेगा पिताजी, ये तो बताओ। अब जब सब पैसे वो वापस नहीं करने लगा बंदा, तो लोग या तो अपने बैंकरप्सी फाइल करने लग गए, या फिर उन्होंने जो आता ना फोन आपको, सर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है? मैंने ये एक्सेस, सर हमारा भी ले लो, सर ICICI का भी ले लो। ठीक है सर जी, अभी मैं क्रेडिट कार्ड होल्ड करता हूँ SBI का, तो इनको पता चल जाता है कुछ, या मैंने कार बुक कराई तो ICICI में, तो उनको पता चल गया, तो ICICI बैंक वाला यहाँ पर कार्ड दे जाएगा, बोले सर 2 कार्ड वो रेडल ले लो, एक पीवी का ले लो, एक बेटे का ले लो। एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट है, उनका 2-4 हमारे भी ले लो। ठीक है, SBI के 3 और मिल गए, 4 या 6 मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस के हैं। सर इस समय मेरे पास 15-16 कार्ड है, 1 करोड़ रुपए की तो मेरी लिमिट है। डूबेगा कौन, कंट्री डूबेगी, मैं तो बैंकरप्सी फाइल करके बैठ जाऊंगा, भैया मेरे पास का नहीं, मेरा क्या होगा, क्रेडिट स्कोर खराब कर देंगे, ऐसे ऐसे मराए, मेरी उम्र होगी 55 साल, 1 करोड़ रुपए मैं घर में रखूँ, ऐसे ऐसे कर मराए, मैंने तो अपना भविष्य सिक्योर कर लिया। दिस इज व्हाट हैपेंड इन अमेरिका। तो वो डूब गया 2008 के अंदर, तो लीमन ब्रदर्स जो हैं, वो जो जुलाई 2008 में कह रहे थे हमने अमेरिका की पूरी लैंड खरीद लिया है, अब हम दुनिया की पूरी लैंड खरीदेंगे, वो अक्टूबर 16 या पता नहीं 18 तारीख को अपनी बैंकरप्सी फाइल करने गए थे, 3 महीने के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश करेगी, अमेरिका ने माल खरीदा ही चाइना से, आज तक पैसा नहीं दिया उनको, माल दे रहे बनाया जा रहा है चाइना, कैसे दे रहा है वैसे मुझे पता नहीं, वो उसको सिर्फ वायदा दे देता है या कागज देता है, वायदे का, अरे सर आप तो वही बैंक में, वायदे का वायदा, व्हाट इज फ्यूचर, वायदा, व्हाट इज ऑप्शन, वायदे का वायदा, व्हाट इज दैट। हमारी इकोनॉमी हमेशा रही है सेविंग्स, हमारी जनानी के पास जरा से 4 पैसे आते हैं, जो हर हस्बैंड की पेंट जेब में चोरी करती है, वो जाके ज्वेलर के पास चली जाती है, बाजी एक टॉपर्स बनवा दे। बच्चा पैदा होता है, पैदा नहीं भी होता है तो पता नहीं होता मेल या फीमेल है, तो सोचना शुरू कर देते हैं चेन बनवा लें, तभी हमारे पास गोल्ड ज्यादा लंबी बात नहीं करते, यहीं छोड़ देता हूँ, खत्म नहीं होगी। तो हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर गई, हर झटके को सर्वाइव करेगी, हर चोरी, चोर चोरी करके चला गया तब भी सर्वाइव कर,
अगर हमारी जनानियां गोल्ड ना रखें तो नहीं होगा, हम लोन नहीं लेते। पंजाब में फ्लड आ गया सर एक बार, आप जरूर बैंक में हो शायद, तो गवर्नमेंट ने पंजाब एंड सिंध बैंक को कहा कि भी सॉफ्ट लोन दो, लोगों के घर बने, तो डूब गए जब घर लोगों के, टूट गए, तो लोगों ने इंग्लैंड में लंदन में अपने घर वालों को फोन किया, भाई पैसा भेजो मकान बनाना है, उन्हें पैसा भेज दिया, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी, लोग घर बेघर बार हैं, इनको लोन दो, तो होल्डिंग्स बड़ी बड़ी लगी हुई थी, विद सॉफ्ट लोन बाय पंजाब एंड सिंध बैंक, सॉफ्ट लोन बाय पुट्ठा सिद्धा बैंक। तो जब लोगों ने सवेरे देखा कि अब पोस्ट वो लग गया, बोर्ड लग गया, सरदार लोग तो नाराज हो गए, वो पत्थर मारने लगे बैंक में जाके, बोलते इतना पैसा नहीं है साढ़े को, अस्सी रुपया काट बना ली और साढ़ी बेइज्जती कर दे, बट यू गो टू यूएस, हर घर मॉर्गेज है, बहुत कम होता है आदमी अपने घर का मॉर्गेज लोन पूरा कर पाता है, मुश्किल से 46% लोगों के अपने घर हैं जिनके हैं भी, बाकी किराए पे हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे आदमी के पास अपनी झुग्गी हो, है उसकी अपनी, किराए पे लोग कम है, ये ट्रुथ है, ठीक है, इस संस्कृति का फर्क है। Anyway, coming back to लगद was Indian astronomer, 700 BC में, ये जो अभी हमारी जो मैथमेटिक्स या हमारी जो एस्ट्रोनॉमी है वो समझ पाई है कि लगद ने निकाली है, लगद को किसने पढ़ाया ये हमें नहीं पता। सो दिस हिंदी में कहते हैं अयनांश, अंग्रेजी में इसको ऐसे भी लिख देते हैं अयनांश, क्योंकि ए जरूर लगता है जब भी अंग्रेज लिखते हैं तो ये लिख बुला, जैसे केरल का केरला, कर्नाटक का योग का योगा, योग का योगा, कर्नाटक का कर्नाटक का, ठीक है ना, और डायन का डायना, ये अंग्रेजों का प्रॉब्लम है, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते, हर जगह ये लगा रहे थे वो, मैं डायना स्पेंसर की बात कर रहा हूँ, मतलब उसको कंफ्यूज मत होना, वही बात कर रहा हूँ, तो इसमें ऊपर लिखा होता है इसमें ये जो, क्योंकि इंग्लिश किया ना तो इसमें ऊपर लिखा होता है ये अयनांश 24 degrees 7 minutes 36 seconds, ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है, तो दिस इज मतलब हर साल की वो चेंज होती चली जाएगी, ठीक है, तो दीज आर दी थ्री मूवमेंट ऑफ द अर्थ यू शुड वी विल बी कीपिंग इनटू कंसीडरेशन, थर्ड ज्यादा क्योंकि थर्ड आपने कोई पढ़ी नहीं थी, तो अर्थ की जो मूवमेंट होगी तो इस तरह होगी, जैसे अर्थ है थर्ड में उसकी अगर हम एक्सिस ले लें तो एक्सिस ऐसे रोटेट हो रही है, यू रोटेट हो रही है, ये नीचे वाली भी हो रही है, ये नहीं है कि नीचे वाली खड़ी है, पूरी ऐसे रोटेट हो रही है, और ये जो है जो ऊपर की, यहाँ पर जो लोग आसमान देख पाते हैं नीचे वाले को आसमान भी अलग नजर आता है, वो यहाँ नहीं नजर आता, वो वाले स्टार्स नजर नहीं आते जो वहां नजर आते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर विल सी डिफरेंट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल डिफरेंट, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट, ऊपर नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा नीचे है नहीं, ठीक है, वो नीचे कैलकुलेशन के अलग तरीके हैं, उतना मुझे को मालूम नहीं, ना मुझे लेना ना देना, उतना भूगोल पे जानता नहीं, जितना जरूरत है तो पढ़ाऊंगा ही, सो दिस मच यू मस्ट अंडरस्टैंड, एक तो पंचमहाभूत जो मैंने आपको बताया, दूसरा वो आप पढ़ लीजिएगा, दूसरा आपको प्लैनेट्स और राशिज के नाम याद होने चाहिए, और राशियों का जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, मैं अगर आपको बोलूं सातवीं राशि तो यू मस्ट नो कि मैं किसकी बात, तो मैं आगे राशि नहीं बोला, सात, अच्छा, मान लिया आगे सात हो जाएगा, सेवन इज लिब्रा तुला, बट हम बाद में एंड में यही करेंगे, सात आठ नौ दस नाम नहीं लिया करेंगे, ये इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना पड़ेगा आपको, सोलर सिस्टम में उस टाइप से नहीं है बट हमें उस टाइप से याद करना, ये सोमवार मंगलवार के साथ तो नहीं उससे मतलब नहीं, दो तीन तो आ रहे हैं ना, जैसे सर उससे नहीं, सूर्य चंद्र मंगल तो साथ में आ रहे हैं, सर उससे एग्जैक्टली नहीं है, अलग है वो अलग है, उसका कोई मतलब रेलिवेंस भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक हर एक चीज का मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा, कुछ इसमें चीज थ्योरी है कि थ्योरी है, ये किया तो पाया तो ठीक है, तो ठीक है बस, दैट्स ऑल, कुछ चीजें ऐसी नहीं होंगी, लेकिन बेसिकली ये सारा जो होगा ये बिल्कुल प्योर विज्ञान होगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा, एवरी क्लास यू विल लाइक लव इट,
कि आपको कुछ नया सीख के जा रहे हैं और रियली वो चीज सीख के जा रहे हैं जो आपने कभी सोची नहीं होगी, ज्योतिष ऐसी होती होगी, आपको होगा कुछ बताएगा कि शनि देख रहा है उधर देख रहा है, कोई ना देख रहा कुछ, ये टीवी में देख रहा है, इनको देखता होगा, हमें ना देखता। जो शब्द शब्दावली भी प्रयोग करते हैं हम नहीं करने वाले, क्योंकि जो एकेडमिक साइंस है ये वो बिल्कुल ऑल्टुगेदर ही डिफरेंट है। तो ये ऊपर पंडित जो बोल रहा है जो टीवी में आपको दिखता है, ये एक्चुअली में पंडित है, चार क्लासिफिकेशन करी ना, एक्चुअली में पंडित है। और ये पंडित क्या बोलता है ये पंडित भी नहीं जानता क्या बोलता, वो बोलता है बस तुम ठीक है, तेरा शनि ठीक नहीं है, वो तेरा अलग है तो मेरा अलग है, वही तो है, भारी है, भारी कहां भैया, एक ही वजन, भारी कहां से होगा, नॉनसेंस में बात को समझ नहीं आती। बट बिकॉज द पीपल हु आर कमिंग टू देम आर इन टू प्रॉब्लम, दे हैव टू बिलीव दैट। डॉक्टर डॉक्टर बोले तेरे हार्ट ठीक नहीं है तो मानना पड़ेगा ना भाई, हार्ट ठीक नहीं है क्या करें, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा पढ़ने से, एक तो आपका अंधविश्वास कर लेगा, दूसरा ये जो बार बार मैं ये बात कहता रहूंगा कर्म का ही फल है, ये आपको पता चलने लग जाएगा कुछ टाइम के बाद, ये धीरे धीरे समझ में आता है, ये ऐसे समझ नहीं आता। जब मैं पहले आने गया ना सुनने पढ़ने गया, तो मैं पहले ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाता, तो मैं बेसिक बेसिक तो दुनिया पर आ रही है, विद द टाइम मेरे को लगा कि नहीं बेसिक मुझे पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो बेसिक वो पढ़ के आते थे वो फिर मेरे को बड़ी परेशानी होती थी, उनको भी बड़ी परेशानी होती है एडजस्ट करने। तो जब मैं सबसे पहले पढ़ाने लगा तो अब मैं स्टूडेंट कहाँ से लूँ, जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ चला गया, मेरा एक लेक्चर रख लिया, ठीक है आज लेक्चर रख दिया। तो स्टूडेंट थे जो रिसर्च में थे, किसी को 2 साल किसी को 5 साल हो चुके थे, कुछ मेरे से ही बहुत सीनियर थे, तो मैंने कहा तुम्हें हो गए किसी को 2 किसी को 5, मगर प्रेडिक्शन आई ये आई, मैं बताता हूँ प्रेडिक्शन कैसे की जा सकती है, और 6 महीने का कोर्स है, इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रेडिक्शन करनी आती है। उससे पहले कभी मैंने सारा लेक्चर कभी नाम ही नहीं पता ही, मैं गैरेज चलाता था, चाबी पाने पेचकस पकड़ने वाला आदमी, तो क्या लेना देना लेक्चर से, ठीक है। तो एक लेडी जो सबसे आगे स्टूडेंट बैठता ना सर, जैसे आप बैठे हैं, ये आप सबसे खतरनाक स्टूडेंट है ना, वो रीजन क्या है, यू आर लॉट ऑफ इनक्विस्टिवनेस, तो पीछे बैठेगा नॉर्मली उसकी कम होती, जो सबसे पीछे वाले की आपको पता ही है क्या होती, लॉजिकल क्वेश्चन बेफालतू का नहीं। तो जो सबसे आगे मिडल में बैठी थी वो लेडी खड़ी हुई, तो मैं ऐसे लोगों से डरता भी बहुत था, तो मैं बैक बेंचर हुआ हमेशा, खड़ी होगी बोलते तू पढ़ा देंगे, मेरे से 14 साल बड़े तू पढ़ा देगा, 6 महीने पढ़ा दे, तो जिंदगी बीत जाती है और जिंदगी पूरी जिंदगी ज्योति समझ नहीं पाते, तो तू 6 महीने पढ़ा भी देगा। अब जब आंसर ना हो आपके पास, तो दिमाग जो है बिल्कुल इलॉजिकल चलता है, मेरा तो बिल्कुल ही इलॉजिकल चलता है, मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था, तो जवाब नहीं था बिल्कुल, मैं कहा बैठ जाइए मैडम 3 महीने में भगवान दिखा देंगे। उसके बाद मेरे को आई फिर बोल क्या दिया, मैं डर गया पूरी तरीके से, मैंने कहा भाई अगर मेरे पर वाकई पढ़ने आ गई तो मैं इसको भगवान गा दूंगा, हे भगवान ये ना आवे, भगवान ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी, वो मेरी लेक्चर से इम्प्रेस हो गई, तभी पढ़ने आई। तो 3 महीने जो है जब होने को आ रहे थे, तो 2.5 महीने हो गए, तो अब मेरे को धड़कन दिल की ऐसे बढ़ने लगी, तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि अब कोई वो ढूंढो, क्या ना चमत्कार, नहीं चमत्कार ढूंढो, कोई बहाने ढूंढो कि भाई कैसे कैसे। तो मैं ऐसा 8 बजे सुबह क्लास शुरू होती थी, वह मैं घर पढ़ाया करता था, तो 7 बजे नींद खुली, मैं कहा चलो सोचेंगे अभी तो 15 दिन है। तो जैसे मैं क्लास आई तो बोलती है तुसी क्या सीखा, भगवान दिखा देंगे, मगर जी को 15 दिन है गए,
तो तैयार बैठा था उस दिन ज्यादा ही, बोलता नहीं, बोलता नहीं वो मैं दे लेते। मैं कहा अच्छा भाई मुझे भी दिखा लो, ठीक है। तो वो बोली कि तुहानू मैं समझानी है तुहानू, मैं तुहानू समझ नहीं। मैं कहा मेरे को समझ तो नहीं, तभी तो पूछ रहा हूँ भाई मुझे भी दिखाओ, मैंने तो देखा नहीं खुद। तो बोलते मैं जो एस्ट्रोलॉजी में आई तो इसलिए आई कि मेरे ही हस्बैंड, I came to know that my husband has a affair, love affair. तो मेरे को समझ नहीं आई कि भाई उसका लव अफेयर कैसे हो गया। तो ऑब्वियसली लेडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो मेरे में ऐसी क्या कमी होगी, हर औरत सोचती है। तो बोलते मैं कई जोशियों के पास गई, तो मेरे को कुछ रेलिवेंट जवाब मिला, सेटिस्फाइंग जवाब नहीं मिला। फिर मैं ज्योतिष पढ़नी शुरू की, और मेरे को ज्योतिष पढ़ते हुए 3 साल हो गए, तो मेरे को वहां भी कोई जवाब नहीं मिला। बट अब तुमने जब पढ़ाने है तो मेरे को जवाब मिल गया कि भाई एक कंजरी नानकुल गए क्यों, पंजाब मंदिर को इस तरह से बोलो। और अब मैं निकाल लेती हूँ ये कब जाएंगे और कब आएंगे, मतलब फायदा कई बार उसके बाद चले जाते हैं तो रहने, तो फिर जब उससे झगड़ा होता है तो फिर मेरे पास आ जाते हैं, फिर मेरे को पता चल जाता है भैया जाएंगे कब। मैं कहा लेकिन भगवान कहाँ इसमें, बोलते यही तो यार समझने वाली बात है, यही तो आपको समझ नहीं है कि जब मैं पैदा हुई तो ही डॉक्टर साहब पैदा हुए, तो मेरा हस्बैंड यही बनेगा, तो भगवान ने पहले उनके माँ बाप भी पैदा किए, और मेरा उनका मैरिटल प्रॉब्लम मानी थी उस औरत की वजह से, तो वो भी पैदा की भगवान ने। और ये मेरे से मैरिटल डिस्कॉर्ड है तो उसने कहाँ जाना है, ये की व्यवस्था भी वो कर रहा है, वो कमाल की बात है। व्यवस्था की क्या है, अब इससे आगे आप सोचते हो, देखो जरा सी बात है, देखो कितनी बड़ा ज्ञान। शी वॉज वेरी हैप्पी टू स्टडी फ्रॉम मी कि भाई वो कहाँ से क्या बात से क्या बात निकाल दी है ना। तो मैंने भी कहा आया बात तो ठीक है, हाँ भगवान मिल जाए लव अफेयर में भी भगवान मिल, तुम्हारे आपके हस्बैंड को अगर लव अफेयर हो गया तो भी भगवान मिल सकता है आपको, मतलब ये बता रहा हूँ आप, मतलब तो कहाँ किस रूप में मिल जाता है, किस तरीके से मिल जाता है, कौन से रास्ते से मिल जाता है। ज्योतिष एक रास्ता जरूर है, ये भगवान केमिस्ट्री से भी मिल सकता है, ईश्वरीय ज्ञान है ना, केमिस्ट्री से भी मिल जाएगा। मैं इसको नहीं, हम तो उसने तो जिसने लिख दिया ईश्वरीय ज्ञान आई एंड आई एग्री टू इट, एंड एस्ट्रोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री भी फिजिक्स भी छोटा छोटा बेसिक बेसिक मिलेगा आपको। कितने रास्ते हैं सर, कई रास्ते हैं आपको मिलेगा, ऐसे दिखते हुए आपको कोई इंसान ही मिल जाएगा जिससे भगवान दिखेगा आपको, ऐसी बात नहीं, ये तो एंड नहीं है बात का। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास, जितनी मैंने पढ़ा दिया आपको फर्स्ट क्लास। Now we'll be from the next class. I'll start explaining about the planets, signs, houses, or how to cast chart. उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कार आप चलाना सीखेंगे तो पहले मुझे को बतानी पड़ेगी भाई बैटरी है, ये इंजन है, ये लाइट है। तो ये नहीं अगर मैं बताऊंगा तो फिर वो कल को ये होगा कि वो दो होते हैं सरदार, तो वॉक्सवैगन नहीं चले तो एक खराब हो गई रास्ते में रुक गई, तो रास्ते में रुक के फिर आदमी क्या करता, बोनट खोलता, बोनट खोला तो बोलता यार मेरे तो इन्होंने इंजन ही नहीं रखा ना, वॉक्सवैगन का पीछे होता ना इंजन, वो यार मेरा तो इंजन ही रखा है। तो दूसरे सरदार बोले यार मेरे ना स्पेयर में रखा है, तो मेरा ले ले। तो एटलीस्ट वी मस्ट नो, हमको अगर बेसिक का क्लियर ज्यादा नहीं होगा ना तो हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप पढ़िएगा, मैं वीडियो आप सबको भेज दूंगा, तो आपके क्वेश्चंस हो तो आप तैयार करके आइएगा। बीच में भी अगर आपको दिल करे पूछने, यू कैन ईमेल मी, फोन मी, सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज, व्हाटएवर यू वांट। आज के इसमें तो लगभग सभी क्लियर हो गए, थोड़ा इस पे जरा एनहांस पे थोड़ा सा प्रभाव सोचिए सर। ये है ना, ये क्या है कि 3D है, ये समझने में थोड़ा टाइम पड़ेगा और बाकी